हेलो, वेलकम एंड नमस्ते एवरीबॉडी। सभी का स्वागत है हमारे इस मासिक पारिवारिक चर्चा। अच्छा, ये जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज है वो मैं पहली बार अटेंड करूंगा सितंबर से। लेकिन सोम त्यागी जी का शिविर अटेंड किया था, जीवन विद्या परिचय किया है, फिर एक जैन बिंदु शिविर किया है, और पुस्तक का पठन भी चालू है, जीवन विद्या परिचय और मध्यस्थ दर्शन और जैन बिंदु। तो थोड़ा ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज जो है वो, आई मीन इट इज बेस्ड ऑन दैट और समथिंग सम डिफरेंट थिंग्स विल बी देयर, बिकॉज़ आई विल बी जॉइनिंग फ्रॉम द आई हैव रजिस्टर्ड इट फॉर फ्रॉम द सितंबर ऑनवर्ड्स। तो सितंबर से मैं ये कोर्स अटेंड करना शुरू करूंगा। हम लोग गोष्ठी भी करते हैं सुबह, ज्ञानोदय ग्रुप है, तो सुबह रोज गोष्ठी करते हैं। वहां पर रौनक भाई है, जो उन्होंने मुझे बोला था कि आप एजुकेशन में है तो आप ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज अटेंड करें, तो इसलिए मैंने रजिस्ट्रेशन इसमें किया है। तो हम लोग ने अभी गोष्ठी में मध्यस्थ दर्शन की रोज चर्चा होती है उसमें, तो नॉर्मली सब गुजरात के मेंबर है तो उसमें गुजराती में होता है सब कुछ। थैंक यू। जी जी भैया, बढ़िया। अभी आप बने रहें चर्चा में। आपने मॉर्निंग सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया जैसा आपने बताया, तो अभी इस मीटिंग में हम लोग इन सब जिन जिन बातों पे आपने अपनी बात रखी या प्रश्न पूछे उन सभी बातों पे यहाँ चर्चा होगी, तो आपको और डिटेल में जानकारी मिलेगी जैसे जैसे सत्र आगे बढ़ेगा। जी, मंथली मीटिंग, मासिक गोष्ठी, संगोष्ठी में हम सभी प्रत्येक मंथ के पहले रविवार को एकत्रित होते हैं और पिछले कई माह से स्वयं के विकास से समूह और सामाजिक विकास में भागीदारी में अपनी भागीदारी और सहिष्णुता करते हुए इस प्रयास में लगे हुए। मैं सर परिषद अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ और मुझे जिम्मेदारी दी गई सत्र के संचालन की। आज का अगर शेड्यूल हम देखें तो हमारे साथ एनसीसीआरपी चेयरमैन डॉक्टर रनीश अरोड़ा सर जुड़े हुए हैं जो कि ओपनिंग रिमार्क रखेंगे। उसके पश्चात जितेंद्र भैया पर्पज ऑफ मंथली मीटिंग और नेशन वाइज एक्टिविटीज को शेयर करेंगे। एक शशि शर्मा दीदी की एक शेयरिंग होगी यहाँ पे एज अ वॉलंटियर, एज अ को एक्सप्लोरर, और पुनः कीनोट सेशन में स्वयं में विकास और समूह में विकास के ऊपर कुमार संभव भैया और मोती चंद भैया अपनी बात रखेंगे। क्लोजिंग रिमार्क श्री राजू अस्थाना जी रखेंगे, मेंबर एनसीसीआईपी आईसीटी एंड देन नीता देवी द्वारा फ्यूचर प्लान और वोट ऑफ थैंक्स रखा जाएगा। तो अधिक समय ना लेते हुए यहाँ पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा प्रोफेसर रजनीश अरोड़ा सर को चेयरमैन एनसीसीआईपी एआईसीटी फॉर द ओपनिंग रिमार्क। सर नमस्ते, स्वागत है। धन्यवाद परीक्षित जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज अपनी इस मासिक बैठक में भाग लेते हुए, संयोग से मैं पिछली कई बैठकों में नहीं रह पाया था, अपनी इस मासिक बैठक की निरंतरता जो है वो सबसे अधिक प्रभावी चीज है। वास्तव में हम सब लोग अपने आचरण में जो निश्चितता की आकांक्षा रखते हैं, एक निश्चित आचरण की आकांक्षा रखते हैं, उसका अर्थ यही है कि वो निरंतरता की आकांक्षा है। तो ये जो निरंतरता की सहज आकांक्षा है वो हमारे दैनंदिन क्रियाकलापों में वो प्रकट होती है। तो जब हम अपनी चाहना की तरफ ध्यान बनाए रखते हैं तो उस ध्यान को बनाए रखने के लिए जहां जहां से सहयोग मिलता है उसकी निरंतरता में हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो मैं जब मासिक बैठक या अपना मॉर्निंग सेशन या अपनी गोष्ठी के बारे में सोचता हूं तो यही ध्यान में आता है कि ये हमारी उस आकांक्षा की दिशा में सहयोग करने वाला एक क्रियाकलाप है। और सामान्यतः जब आप प्रयास करते हैं कि हर क्षण उस तरफ ध्यान बना रहे तो अनेक प्रकार के प्रश्न मन में आते हैं। अब उन प्रश्नों
का उत्तर तुरंत प्राप्त करना नहीं रहता है, ये व्यवहारिक भी नहीं रहता है। तो फिर हम उस मौके की प्रतीक्षा करते हैं कि कल अगर मॉर्निंग सेशन में जुड़ेंगे तो अपनी इस बात को रखेंगे और उसमें क्या बाकी लोगों का एक उत्तर प्राप्त होता है, किस प्रकार का उनका उनकी शेयरिंग कैसी होती है, तो उससे स्वयं को एक दिशा मिलेगी। उसी प्रकार की भूमिका अपनी इस मॉर्निंग सेशन की रहती है, परंतु आवश्यक नहीं है कि ये केवल अपने मन के प्रश्नों के उत्तर का ही स्थान हो, बल्कि एक और बात से जो बल प्राप्त होता है कि जिस प्रकार का काम, जिस प्रकार की चीज मेरे मन में चल रही है, जिस प्रकार का काम मैं करना चाह रहा हूं, वो जब मेरे ध्यान में आता है कि और भी बहुत लोग, बल्कि सब लोग उस तरफ ही सोचते हैं, तो ये भी जो बात है ये इस प्रकार की गोष्ठी सेशन कंबाइंड मीटिंग में ध्यान में आया। अभी जैसे जितेंद्र नरूला जी के बारे में बताया कि वो देश भर में जो UHV की एक्टिविटीज चल रही हैं उनकी जब जानकारी दें, तो केवल ये जानकारियों का संकलन नहीं है, केवल उसको सुनना मात्र नहीं है, इसके कारण से स्वयं को जो बल प्राप्त होता है उसका भी हम अनुभव कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जब व्यक्तिशः शेयरिंग होती है, जैसे आज शशि जी अपनी शेयरिंग रखेंगी, श्रीमती शशि शर्मा जी, तो उससे भी स्वयं में चल रही जो उथल पुथल होती है उसको एक सहजता प्राप्त होने में आसानी होती है। फिर एक विषय के बारे में हम लोग कंबाइंड मीटिंग में गहन रूप से सुनते हैं, समझते हैं। तो जैसे अभी बताया कि स्वयं के विकास में और समूह के विकास में किस प्रकार से अपनी पार्टिसिपेशन हो, उस पर आज हम कुमार संभव जी और मोती भैया से सुनेंगे, और उसके कारण से किसी एक विषय के बारे में डिटेल में विचार होना, इसका भी एक अपना महत्व रहता है, और एक अलग अलग विषयों को क्रमवार समझते जाना और उसके आधार पर पूरे विषय को अपने ध्यान में लाना, ये होने पर ही अपने अंतर जो निरंतरता और सहजता की इच्छा है, आकांक्षा है, वो पूरी होने में सहयोग प्राप्त। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी मैं जो देख पा रहा हूँ कि पूरे देश से इस समय पर हम लोग 97 लोग जुड़ चुके हैं, और ये केवल 97 ही देश के नहीं है, इसको कहते तो हम कंबाइंड मीटिंग है, लेकिन ये कंबाइंड मीटिंग भी हमारी दो हिस्सों में होती है, हिंदी का सेशन होता है दोपहर के बाद, इंग्लिश का सेशन होता है। कुछ लोग दोनों सेशन में जुड़ते हैं, कुछ लोग एक सेशन में जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से मुझे ये ध्यान में आता है कि सामान्यतः लगभग 200 भैया बहन हम लोग इस प्रकार की मासिक बैठक में जुड़ पाते हैं, जिसके कारण से आज अपने देश का कोई भी प्रांत ऐसा नहीं है जहां पर एकेडमिक सर्कल्स में हम इस विषय की चर्चा कर सकने वाले ऐसे बंधु भगिनी नहीं अपने को दिखाई देते हैं। और ये परिणाम इस प्रकार की निरंतर मासिक बैठकों का ही परिणाम है। और मुझे आप सबसे ये शेयर करते हुए भी अच्छा लग रहा है कि मेरी परसों ही बात हो रही थी राजू जी से कि ये केवल कंबाइंड नेशनल मीटिंग ही नहीं, तो वर्ष में दो वर्ष में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, अन्य देशों में भी जो लोग इस प्रकार के काम में जुटे हुए हैं उनके साथ आपस में विचार विमर्श हो, इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में भी जो विचार हो रहा है नवंबर में, उसकी तैयारी करने में भी इस कंबाइंड बैठकों का सदुपयोग होगा। इसी बात को आपके सामने रखते हुए और हम सब के जिम्मे, क्योंकि हम सब शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम सब के जिम्मे जो मुख्य काम है कि जो बात हम यहाँ सुनते हैं, जो बात हम यहाँ समझते हैं, उसको हम जब अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा कर पाते हैं, तब हमें स्वयं के अंदर की समझ के बारे में उसका मूल्यांकन हो पाता है। तो इसलिए ये सारी चर्चा अंततोगत्वा कक्षाओं में जाएगी, ये एक विश्वास मेरे मन में आता है।
अगस्त महीने की मासिक बैठक में आज हम भाग ले रहे हैं। इस समय देश भर के कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं, उनको ध्यान में रखते हुए भी अपने को किस प्रकार के कार्यक्रम इस अगस्त महीने में करने हैं और आगे इस सेमेस्टर में कैसे विद्यार्थी अपने इस UHV काम में जुड़ेंगे, इस सारे काम की ओर हम सबका ध्यान बनेगा, ऐसा विश्वास रखते हुए मैं अपने क्लोजिंग रिमार्क्स पूरे कर रहा हूँ। इस समय 111 लोग हम जुड़ चुके हैं इस जूम बैठक में, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका मोटिवेशन गाइडेंस हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता रहता है और हमें मोटिवेट करता रहता है इस पूरी प्रक्रिया में हम और अधिक से अधिक गति से आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्ते। फॉर शेयरिंग ऑफ मिशन वाइड एक्टिविटीज, जी जी दिन भैया नमस्ते, गुड इवनिंग। नमस्ते, धन्यवाद परीक्षित भैया, धन्यवाद अरोड़ा सर। तो ये मेरी जिम्मेवारी में ये जो आज की बैठक हो रही है, इसमें जो हमारी पिछले महीने की गतिविधियां रही तो उनको आप सबके सामने रखना है, और आज की जो मीटिंग है और जो उसका की नोट सेशन है वो है व्यक्तिगत विकास और समूह में विकास। तो उसके संदर्भ में अरोड़ा सर ने जो ओपनिंग रिमार्क्स रखे और उसमें आज की थीम को ही ध्यान में रखते हुए सारी बात को रखा और बहुत ही सुंदर ढंग से सरल शब्दों में इस बात को भी रखा कि व्यक्तिगत विकास के लिए ध्यान देना, अपने ऊपर काम करना, समय निकालना एक प्राथमिकता अगर ध्यान में आती है तो हम अपने क्वेश्चंस को जो हमारे अंदर के मानसिक आयाम में जुड़े हुए हमारे क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को लगातार एक्सप्लोर करते रहते हैं, और बाहर भी जो हमारा जीना होता है या लोगों से बातचीत होती है उन उस सारे प्रक्रिया में हम अपने क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करने के लिए ही काम करते रहते हैं, उनके उत्तर ढूंढने के लिए ही काम करते रहते हैं। तो चाहे तो हम क्लास ले रहे हैं, चाहे तो हम मॉर्निंग सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या वीकली मीटिंग में या किसी और गतिविधि में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कैसे इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए जब हम काम करते हैं तो टीम डेवलपमेंट के लिए काम करना एक तो दोनों के आपस में एक गहरा जुड़ाव भी है ना ध्यान में आता है। इसी तरह से जब टीम के विकास में हम सहयोग कर रहे होते हैं तो हमारा व्यक्तिगत विकास भी होता रहता है। व्यक्तिगत विकास को केंद्र में रख के आगे बढ़ते हैं तो टीम में पार्टिसिपेट करना एक हमारी आवश्यकता अनिवार्यता हो जाती है, और टीम के विकास के लिए जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारा व्यक्तिगत विकास भी होता रहता है। तो इन दोनों जगहों पे जब गति होती है तो सहज ही हमारी व्यक्तिगत और एक समूह की इच्छा और आवश्यकता बनती है कि हम अब बड़े समाज के लिए भागीदार में बड़े समाज के लिए है ना बड़े लक्ष्य के लिए भागीदारी करें। तो ये सारा एक सेंस में जुड़ा हुआ प्रकल्प है, चाहे तो व्यक्तिगत स्तर पे काम कर रहे हैं या टीम डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं और अल्टीमेटली सोसाइटल डेवलपमेंट में काम। तो जितना जितना टीम डेवलपमेंट और सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए काम कर पाते हैं उतनी उतनी हमारी व्यक्तिगत क्षमता और हमारी व्यक्तिगत हमारे अंदर स्थिरता और निश्चितता जिसकी बात अभी अरोड़ा सर कर रहे थे वो बनने लगती, और जितना जितना हमारे अंदर व्यक्तिगत रूप में स्थिरता और निश्चितता आती है उतना उतना सहज ही हम एक बड़ी टीम के एक भाग के रूप में अपने को देख पाते हैं और सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए भी कंट्रीब्यूशन कर पाते। तो ये अच्छी बात मेरे भी खुद के ध्यान में आई जब थोड़ा सा इस बात को रख रहे थे। जो अब मुख्य बात होनी है, एक तो हम किस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और दूसरा हम कहाँ खड़े हैं आज के दिन और आगे की हम क्या संभावनाएं देख रहे हैं। ये बात को इस लक्ष्य को लेके चल रहे हैं इसको लेके तो अभी अरोड़ा सर बात रख ही रहे थे। तो अगर व्यक्तिगत स्तर पे देखें तो हमारी एक सहज आकांक्षा ये है, सहज इच्छा ये है कि हमारी समझ का विकास हो सके, हमारी समझ में गति हो सके, या दूसरे शब्दों में जो मुख्य रूप में हम सब चाहते हैं और बार बार जब हम मॉर्निंग सेशन भी सुनते हैं या कुछ और उस तरह का हायर लेवल का इनपुट सुनते हैं तो ये ध्यान में आता है सबके, और हम सबके पहले से ये ध्यान में बात आई है कि जो सुख है जो हम सब की एक सहज आकांक्षा है वो हमारे लिए आज के दिन एक स्वभाव है या प्रभाव।
तो इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो रहा है, व्यक्तिगत समझ बढ़ रही है, तो उसमें ये भी धीरे धीरे हमको अपने साथ जोड़ के देखना कि मेरे लिए सुख स्वभाव के रूप में या प्रभाव के रूप में, तो और दूसरे शब्दों में समझ में गति हो रही है, समझ में विकास हो रहा है, मतलब ये कि मेरा आचरण निश्चित हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, मेरे आचरण की निश्चितता निरंतरता हो पा रही है नहीं हो पा रही, तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं इस बात पर ध्यान दिलाने के लिए कि मेरी स्वयं में गति हो रही है नहीं हो रही, या अपने में स्वयं में गति के लिए मैं कुछ प्रयास अभ्यास कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा, तो ये तो व्यक्तिगत स्तर पर हम सबके ध्यान में है ही, हमारा एक लक्ष्य है, हमारा एक टारगेट है, और ये व्यक्तिगत लक्ष्य या व्यक्तिगत टारगेट के लिए हम जितना जितना सक्रिय होते हैं, जितना जितना हमारे अंदर इस बात को लेके गंभीरता और ईमानदारी बनती है, उतना उतना जो है फिर हम आगे चल के एजुकेशन में अपनी पार्टिसिपेशन के लिए या टीम डेवलपमेंट के लिए भी उपयोगी हो पाते हैं, तो जितना जितना टीम डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं कर पाते हैं, तो शिक्षा के आयाम में हम अपनी भागीदारी को भी सुनिश्चित कर पाते हैं, तो शिक्षा के आयाम में अगर अपने लक्ष्य को देखें तो हम सब लोग इस लक्ष्य को लेके चल रहे हैं कि मूल्य आधारित शिक्षा हो सके, तो पहले तो मूल्यों को इंट्रोड्यूस कर सकें, फिर आगे चल के मूल्यों आधारित शिक्षा, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का पूरे है ना शिक्षा में एक वातावरण बन सके, और आगे चल के मूल्य आधारित शिक्षा के बाद मूल्य आधारित जीना हो सके, तो हमारी जो शिक्षा है और तो ये जो शिक्षा का पूरा सिस्टम है, तो ये मूल्य आधारित शिक्षा के साथ साथ मूल्य आधारित जीना हो और इसकी प्रेरणा शिक्षा में रहते हुए बन सके, तो ये काम तो मूल्य आधारित शिक्षा और मूल्य आधारित जीना शिक्षा में जो है हमारा प्रयास हो सके। और अब आगे चल के अगर नेशनल अपडेट को देखें तो इस सारे बात को ध्यान में रखते हुए ही हम अल्टीमेटली अपना सारा एफर्ट कर रहे हैं कि जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज है ये मेन स्ट्रीम शिक्षा का एक पार्ट एंड पार्सल हो सके, और इसी संदर्भ में सारा प्रयास, सारी एक्टिविटी, सारी गतिविधियां हो रही, और जुलाई महीने की अगर गतिविधियों को मुख्य रूप से देखेंगे तो हम लोग 15 वर्कशॉप्स कर पाए हैं, जिसमें से 9 वर्कशॉप्स इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप और 5 वर्कशॉप 8-8 दिन के AICET स्पॉन्सर्ड, AICET फंडेड फेस टू फेस वर्कशॉप्स हुए हैं, और एक UHV 3 का रिसोर्स पर्सन या लीड वॉलेंटियर को तैयार करने की दृष्टि से IIT कानपुर में हुआ था, और आप में से बहुत सारे साथी उसमें शरीक हुए थे, और ये इतना एब्जॉर्बिंग मंथ रहा सारी टीम के लिए, इस कारण से कुछ ऑनलाइन वर्कशॉप जो हैं वो जून के महीने में नहीं प्लान किए गए थे, तो आशय तो ये है कि धीरे धीरे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को मेन स्ट्रीम एजुकेशन का पार्ट हो सके, और इवेंचुअली इस सारे के साथ मूल्य आधारित शिक्षा जिसकी हम बात करते हैं, और फिर एक ह्यूमेन सोसाइटी जिसकी बात हम लोग बार बार करते हैं, तो उस दिशा में कुछ कदम आगे बढ़ सकें, और इसके लिए लगातार आप सबके ध्यान में, हम सब इस सारे प्रोसेस का पार्ट एंड पार्सल हैं ही, और 3 मुख्य बिंदुओं पर हमारा ध्यान बना हुआ है, हम इसमें गति करना चाह रहे हैं, कर भी पा रहे हैं, कि हमारा व्यक्तिगत विकास हो सके, टीम के रूप में भी हम लोग डेवलप हो सके, और टीम के साथ साथ जो है सोसाइटल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन कर सके, तो नवंबर के महीने में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है कि ये जो सारा विजन है वैल्यूज की जो बात हो रही है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की जो बात हो रही है, और आगे 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 चल के जो मानवीय शिक्षा की बात होगी, इस सारी विजन को, इस सारे प्रोसेस को, प्रोग्राम को एक लार्जर प्लेटफॉर्म पे शेयर किया जा सके और एजुकेटर्स को इंस्पायर किया जा सके, तो 22 से 24 नवंबर ये कॉन्फ्रेंस को हम ऑनलाइन माध्यम से करने की बात है, 475 से ज़्यादा इनविटेशंस 7 कॉन्टिनेंट्स में भेजे जा चुके हैं, और अगर पूरे कॉन्फ्रेंस के फॉर्मेट को देखेंगे तो इसमें कीनोट सेशंस होने हैं, इसमें इंडिविजुअल्स की और इंस्टीट्यूशंस की शेयरिंग होनी, ताकि ऐसे जो सफल एग्जाम्पल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुए हैं उनको भी शेयर किया जा सके, ताकि एजुकेटर्स के ध्यान में आए कि एक प्रॉमिसिंग प्रपोजल एजुकेशन के संदर्भ में उपलब्ध है जिसको एक लंबे समय तक ट्राई और टेस्ट किया गया है, तो ये लोगों के ध्यान में आ सके, और पैनल डिस्कशंस, तो मल्टीपल पैनल डिस्कशन चलेंगे, और जो 3 सब थीम्स को आइडेंटिफाई किया गया है, एक तो होलिस्टिक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है, होलिस्टिक ह्यूमन हेल्थ, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं
इनको कैसे इस यूएचवी के माध्यम से हम लोग अचीव कर सकते हैं या इस दिशा में गति कर सकते हैं, ये सब थीम्स पर बात होनी है। यूएचवी फाउंडेशन और यूएचवी टीम जो है वो इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। इसके जो मुख्य होस्ट हैं वो SRM IST चेन्नई, ये इनके मुख्य होस्ट हैं। अभी तक 6 ऑर्गेनाइजिंग पार्टनर्स ने अपना कंकरेंस कंसेंट दिया है कि वो इसके को कोलैबोरेटर्स होंगे, और एक WHO साउथ ईस्ट एशिया भी अभी लाइकली पार्टनर हैं। तो और भी कुछ कोलैबोरेटर से बात चल रही है, तो इसमें और कुछ कोलैबोरेटर्स को जुड़ने की संभावना है। तो जिन इंस्टीट्यूशंस ने इसमें अपना प्रेजेंटेशन करना है तो उनसे ये रिक्वेस्ट है, इनफैक्ट आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, जहाँ जहाँ पर भी अगर आपके इंस्टीट्यूशन में इस दिशा में कंसिडरेबल सिग्निफिकेंट काम हुआ है तो आप उसको एक रिपोर्ट के माध्यम से हमारे साथ शेयर करें। 1 से 2 पेज की आप एक रिपोर्ट को बनाकर भेजें, उसको एक तो यूएचवी के न्यूज़लेटर जो हर महीने तैयार होता है और आप आपसे शेयर किया जाता है, इसमें भी ऐड किया जाएगा और कॉन्फ्रेंस के हैंडआउट में भी इसको शेयर किया जाएगा। इसमें 4 मुख्य बातों पे आप अपना पूरा राइटअप और वो लिख सकते हैं। तो एक तो जो है इंस्टीट्यूट के बारे में बताएं, इसका विजन बताएं कि जो ह्यूमन वैल्यूज को लेके इसका विजन क्या है, एफर्ट्स अभी तक इस दिशा में क्या एफर्ट्स हुए हैं और क्या उसका इम्पैक्ट आप लोगों के नोटिस में आया है, और आगे की आपको क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं इस सारे एफर्ट्स और उसकी दिशा में। इसके साथ साथ एक PPT 8 से 10 स्लाइड्स की PPT 15 मिनट के टाइम फ्रेम को ध्यान में रखते हुए भी डेवलप कर सकते हैं, और डिटेल्ड रिपोर्ट अगर आप बनाएं अपने कॉलेज के सारे काम के बारे और कॉलेज में जो एफर्ट्स हुए हैं और जो सफलताएं मिली हैं और जो पॉसिबिलिटी सब आपको आगे फर्दर ध्यान में आ रही हैं तो वो भी आप हम लोगों के साथ शेयर करें, तो उसको फिर इवेल्युएट किया जाएगा और फिर UHV के न्यूज़लेटर में और प्लस जो कॉन्फ्रेंस की ऑडियंस है उस तक शेयर किया जाएगा। और अगर कोई आप एक अच्छा 10 मिनट तक का वीडियो बना सकें, क्रिस्प टू द पॉइंट ना, इम्पैक्टफुल वीडियो, बट वो ग्राउंडेड भी हो, जो रियल काम हुआ है कॉलेज में या हो रहा है उसको केंद्र में रखते हुए आप अगर एक वीडियो बनाए हम लोगों के साथ शेयर करें तो उसका सदुपयोग हो पाएगा, और भी एजुकेटर्स को इंडिया में, अपने देश में और बाहर दुनिया भर में एजुकेटर्स को मोटिवेट और इंस्पायर करने के हिसाब से। एक इरमा आपके ध्यान में होगा, इरमा जो है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक इम्पैक्ट स्टडी का काम चल रहा था जो लगभग लगभग अपने कंप्लीशन पे है। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह की स्टडी की गई है, और जो सैंपल कवरेज हुआ एक लार्ज साइज सैंपल जो है को ध्यान में रखते हुए ये स्टडी को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। करीब करीब 27,000 फैकल्टी के फीडबैक को इसमें इवेलुएट किया गया, 11,000 स्टूडेंट्स का फीडबैक इसमें, और 5,000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस को इस सर्वे सैंपल में शामिल किया गया है। जो मुख्य फाइंडिंग्स हमारे ध्यान में आ रही है या इस स्टडी से निकल कर आ रही है कि जो UHV का आउटकम या इम्पैक्ट दिख रहा है वो इन पोटेंशियली 5 जगहों पे दिख रहा है। एक तो ये है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस बच्चों की इम्प्रूव होती दिखाई देती है, तो जिसमें उसका कमिटमेंट टू लर्निंग, बच्चे का कमिटमेंट टूवर्ड्स लर्निंग ये बढ़ता है, और ग्रेटर सेल्फ डिसिप्लिन। अभी बच्चे को बाहर से डिसिप्लिन करने के बदले धीरे धीरे बच्चे में सेल्फ डिसिप्लिन जो है ये पनपने लगता है, और बच्चे अपने टाइम मैनेजमेंट को भी इंश्योर कर पा रहे हैं। एक तो ये है, इसके साथ साथ जो मेंटल हेल्थ है और ओवरऑल वेलबींग है, चाहे तो स्ट्रेस में रिडक्शन है, टेंशन, एंगर, डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज जो है, सुसाइडल थॉट्स हैं, रिडक्शन इन बैड हैबिट्स, इसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट ऑब्जर्वेशन में आई हैं, स्टडी में भी ये निकल कर आया है। फिर बच्चे अपने फिजिकल हेल्थ को लेके भी सेंसिटिव हुए हैं, तो उनको जो फिजिकल नीड्स है या जो उनके वेलबींग और जो हेल्दियर हैबिट्स हैं उसको भी अडॉप्ट कर पा रहे हैं बच्चे, और फिर बेटर ढंग से वो कोलैबोरेट और टीम वर्क कर पाते हैं, तो एम्पैथी बढ़ी है उनके अंदर, और जो है विश्वास का भाव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये सारी बात जो हम लोग बार बार करते भी हैं ये भी इसमें भी इम्प्रूव हुई है।
और जो भी टीम में काम करते समय कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को ये बच्चे एक बेटर तरीके से डील कर पाते हैं। और फिर एनवायरमेंटल, ओवरऑल एनवायरमेंटल अवेयरनेस, इसमें भी इम्प्रूवमेंट रही है। तो जो सेंसिटिविटी है पूरे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को लेके, या रिसोर्स कंजर्वेशन को लेके, या एथिकल कंडक्ट को लेके, इसमें भी इम्प्रूव। तो ये सिग्निफिकेंट आउटकम इस सारे एफर्ट से ध्यान में आ रहे हैं। एक और रिसर्च स्कॉलर ने इस रिपोर्ट को पेश किया है। और तो जो अभी तक साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, इसको लेके स्टेम शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये बात उन्होंने अपने इस रिसर्च पेपर से निकाली कि अगर स्टेम को फोकस रखते हुए अगर यूएचवी को उसके साथ जोड़ा जाए तो ज़्यादा अच्छे आउटकम जो है वो ध्यान में आते हैं बच्चों के इम्प्रूवमेंट को लेके। भविष्य के पोटेंशियल को, आगे के जो पोटेंशियल को रीजन या स्टेट के लेवल पे देखेंगे, तो जो काम हम सब मिल के कर सकते हैं, एक तो ये है कि हम ऐसे पोटेंशियल लोगों का आइडेंटिफिकेशन करें अपने डिस्ट्रिक्ट में, है ना, और उनको नर्चर करें ताकि वो धीरे धीरे वॉलेंटियर से शुरू करके लीड वॉलेंटियर के रूप में तैयार हो सके। और लीड वॉलेंटियर का मतलब ये है कि जिसको ये दिख गया है कि ये मेरा काम है, ये कोई यूएचपी टीम का या यूएचपी फाउंडेशन का काम नहीं है, ये किसी और, है ना, सीनियर लोगों का काम नहीं है, ये मेरा अपना काम है, और मेरा अपना काम है और इसको मुझे अपनी जिम्मेवारी पे करना, ना कि मुझे, है ना, एक किसी बाहर के दबाव से करना है। मेरा ये अपना काम है, मुझे करना है। और वो इस मानसिकता के साथ किसी एक प्रोजेक्ट या किसी एक एक्टिविटी की ओनरशिप ले पाते हैं। तो ऐसे लोगों को तैयार करना और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना और नर्चर करना, ये इस आगे का एक काम है जिसमें हम सबकी महत्वपूर्ण भागीदारी हो सकती है। और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना जो लोग फुल टाइम भी और डिवोट कर सकते हैं, मतलब मिनिमम अपेक्षा तो यह है कि एक वॉलेंटियर कम से कम 1 या 2 घंटे प्रतिदिन इस सारे प्रकल्प में कंट्रीब्यूट करे, अपनी सारी जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के साथ साथ 1 से 2 घंटे लगाए ना। लेकिन कुछ ऐसे वॉलेंटियर जो फुल टाइम अगर इस काम में अपने को डिवोट कर सकते हैं, तो उसकी आवश्यकता भी बन गई है और उसका धीरे धीरे एक एनवायरमेंट भी बनता जा रहा है ना। तो ये एक काम होना है। फिर स्टेट लेवल पे टीम्स डेवलप हो सकें, तो एक मेंटर या आप में से हर एक व्यक्ति अगर 10 वॉलेंटियर्स को डेवलप करने की जिम्मेवारी ले, तो 1:10 के रेशियो से चलें, तो अगर आपके स्टेट में, आपके रीजन में ऐसे 5 वॉलेंटियर या लीड वॉलेंटियर तैयार हो गए हैं जो अगले 1 साल या 2 साल में 10 10 लोगों को नर्चर करने की जिम्मेवारी लें, तो आने वाले 2 या 3 साल में जहाँ पे अभी 10 लोग दिखाई देते हैं, तो वहाँ पे वो 50 लोग या 100 लोग दिखाई देंगे। तो ये 1:10 के रेशियो में अगर एक एक व्यक्ति 10 मेंटीज को तैयार करे, तो ये मल्टीप्लिकेशन का काम भी हो पाएगा और हमारे अपने प्रतिरूप तैयार होंगे। तो इसी तरह से UHV-1 को जो SIP में, है ना, कंडक्ट किया जाता है, और UHV-2 जो कि एक 3 क्रेडिट का फुल फ्लेजेड कोर्स है, इसको हर कॉलेज तक पहुंचाया जा सके, हर बच्चे तक इसको पहुंचाया जा सके, ये एक काम है। और उसके लिए हर कॉलेज में कम से कम 2 शिक्षक, 2 फैकल्टी तैयार हों, चिन्हित हों और तैयार हों उनको नर्चर करने की जिम्मेवारी, और साथ साथ हर कॉलेज में 10 स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करके नर्चर करने की जिम्मेवारी अगर हम ध्यान में आए, तो लगभग लगभग पूरे देश में टेक्निकल एजुकेशन में करीब करीब पॉलिटेक्निक्स को मिला के 10,000 कॉलेजेस हैं या 9,000-10,000 कॉलेजेस। तो अगर 10 बच्चों को भी अगर 1 साल में चिन्हित करके उनको नर्चर करने का कोई एक सिस्टम हम इवॉल्व कर सकें, तो करीब करीब 1 लाख स्टूडेंट्स जो हैं ऐसे सिंसियर स्टूडेंट्स इस सारे प्रोसेस में इवॉल्व हो सकते हैं, आइडेंटिफाई हो सकते हैं, इवॉल्व हो सकते हैं, नर्चर हो सकते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी संभावना है। फिर ऐसे कुछ पोटेंशियल नोडल सेंटर्स या रिसोर्स सेंटर्स तैयार हो सकें, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे एक, यूनिवर्सिटी के लेवल पे एक, और इवेंचुअली तो हर कॉलेज एक उस तरह से नोडल सेंटर के रूप में उभरे। इस सारे शिक्षा के काम को, UHV के बात को अगर लोकल और रीजनल लैंग्वेज में बोला जा सके, माँ बोली में बोला जा सके, तो उससे बच्चों को, जो बच्चों में जो कनेक्ट बनता है वो बहुत ठीक से बन पाता है, बहुत गहरे में उसको समझ पाते हैं। तो ट्रांसलेशन का एक मेजर काम होना है, हो भी रहा है, करीब करीब 10 भाषाओं में UHV के
सारे कंटेंट को ट्रांसलेशन का काम किया जा रहा है, इस संदर्भ में पीपीटीज बननी है, यूएचवी की किताबों को ट्रांसलेट करना है, और धीरे धीरे रिसोर्स पर्सन वर्कशॉप्स को भी, एफडीपीस को भी, या स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को भी लोकल लैंग्वेज में अगर चला सके तो ये एक एरिया है जिस पर काम होना है। और आप में से जो भी शिक्षक और भी अगर इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं, तो आप चैट बॉक्स में जो अपने नाम शेयर कर सकते हैं। फिर इवेंचुअली हर परिवार में हम सार्थक संवाद को इनिशिएट कर सकें, समझने के अर्थ में, जीने के अर्थ में, समझाने के अर्थ में। तो फैकल्टी के फैमिली, स्टाफ के फैमिली, स्टूडेंट के फैमिलीज, फिर हर कॉलेज अगर अपने साथ कुछ स्कूल्स को भी कनेक्ट कर सके तो ये भी एक एक्सटेंशन की दिशा में एक बड़ा काम होगा। और इवेंचुअली जनरल समाज में अगर देखें, सीनियर सिटीजन्स हैं, इंजीनियर्स विदाउट बॉर्डर्स, न्यूली मैरिड टीनेजर्स, यूथ, तो ये सारा एक्सटेंशन एरिया है जहाँ पर हम अपने कॉलेज में काम करने के साथ साथ, अपने परिवार में काम करने के साथ साथ, स्कूल्स और फिर उसके आगे सोसाइटी इन जनरल में भी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ सजेस्टिव चीज़ें, बातें, आइडियाज यहाँ पे शेयर किए जा रहे हैं। आपके पास अपने भी बहुत सारे आइडियाज होंगे, आप या तो उन पे चल ही रहे होंगे या आपको ऐसा लगता होगा कि उन पे भी चला जा सकता है। जैसे अभी यूपी में बहुत बड़ा काम है ना, जेल्स में हुआ, एक जेल में हुआ कानपुर में, फिर वो मल्टीप्लाई करके ना कुछ और जेल्स में शुरू हुआ। आपके पास अगर ऐसे कुछ आइडियाज हैं जिसपे आप ऑलरेडी चल रहे हैं या आप चाहते हैं वो शेयर हो, उस पर भी काम शुरू हो, और आप अगर उसमें अपनी कोई भागीदारी भी कर सकते हैं तो आप उसको भी चैट बॉक्स में लिख कर भेजिए, ताकि हमारे भी नोटिस में आए और हम फिर उसको आगे आगे भी लोगों के साथ शेयर कर सकें। तो भी थोड़े समय में जो है इतनी बात करनी थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमको इस सारे कार्यक्रम को मिलकर अपने डेवलपमेंट के काम को गति देते हुए, टीम डेवलपमेंट के काम को गति देते हुए, इवेंचुअली सोसाइटल डेवलपमेंट के काम को करना है, जो हमारी और आपकी, हम सबकी साझी जिम्मेवारी है। तो ऐसा आपके ध्यान में पहले से ही है, लेकिन कुछ चीज़ें बार बार जब शेयर की जाती हैं तो वो रीइंफोर्स होती हैं। तो मैं इस रीइंफोर्समेंट के काम को अपने लिए भी उपयोगी पाता हूँ, और उस दृष्टि से ये सारी शेयरिंग आपके साथ की गई है। तो मैं इतनी बात के साथ इसको, अपनी बात को यहीं रोकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग आगे जो मुख्य कीनोट सेशन होना है उस पर चर्चा शुरू करेंगे। धन्यवाद करना चाहूंगा जितेंद्र अग्रवाल भैया का, हम सभी को नेशन वाइड एक्टिविटीज से अवगत कराने के लिए, इरमा की फाइंडिंग से अवगत कराने के लिए, और हम सभी का पुनः ध्यान दिलाने के लिए टीम डेवलपमेंट टू फैमिली डेवलपमेंट एंड सोसाइटल डेवलपमेंट ये पॉसिबल है सेल्फ डेवलपमेंट से ही। जी तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर शशि शर्मा दीदी को फॉर हर शेयरिंग एज अ यूएसजी वॉलंटियर एंड एज अ को एक्सप्लोरर। जी शशि दीदी नमस्ते, वेलकम। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। सबसे पहले तो ये मेरा सौभाग्य है कि मंथली मीटिंग में मुझे शेयरिंग रखने का मौका मिल रहा है, और ये एक मेरे लिए उत्साहवर्धक भी है कि मेरी अभी तक की यात्रा में जो भी उपलब्धियां मुझे हुई हैं वो मैं शेयर कर सकूं, और इसलिए जो मैंने अपने ऊपर काम किया है, शेयरिंग रखने के लिए खुद का मूल्यांकन सही करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो मुझे अपने अंदर सबसे पहले तो ये संस्कार देखने को मिला कि मैं अपना अवमूल्यन बहुत अधिक करती आई हूँ, और पहली चीज, पहली उपलब्धि जो यूएचवी से मुझे हुई है वो ये है कि अब मैं अपना अवमूल्यन अधिक नहीं करके या अधिमूल्यन नहीं करके मैं अपना सही सही मूल्यांकन कर पाने की स्थिति में हूँ और प्रयास भी कर रही हूँ। तो इसी के साथ मैं अपनी शेयरिंग शुरू करती हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरा नाम शशि शर्मा है, मैं राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में हूँ, और यहाँ जो सेठ मुरलीधर मानसिंगा
गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है, उसमें प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ, और फूड्स एंड न्यूट्रिशन मेरा विषय है। इसके अलावा होम साइंस के अन्य सब्जेक्ट भी मैं यहाँ पढ़ाती हूँ। यूएचवी से मैं वर्ष 2024 के फरवरी माह से मॉर्निंग सेशन के द्वारा जुड़ी हूँ, यानी 9th बैच के मॉर्निंग सेशन से मैं सीधे ही मेरा यूएचवी से जुड़ना हुआ। इससे पहले यूट्यूब्स के द्वारा मध्यस्थ दर्शन के काफी वीडियोस देखे हैं, और उसमें काफी मतलब 2 ढाई वर्ष तक हम निरंतरता के साथ में मेरी सिस्टर और कुछ फ्रेंड्स मिलके हम लगे रहे, और एक समय के बाद में ये लगा कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उससे हमारे व्यवहार में बहुत ज्यादा परिमार्जन नहीं हो पा रहा है। तो सुनील आगीवाल भैया, जो कि भीलवाड़ा में हैं, मैं उनसे मिली और उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, और यूएचवी मॉर्निंग सेशन में उनके और कृष्ण भैया के प्रयासों से हमारा जुड़ना हुआ। मॉर्निंग सेशन के जो प्रक्रिया है कि डेली वो सेशन होता है, प्रातः मैं हिंदी सेशन में जुड़ती हूँ, और फरवरी से लेकर अब तक मैं लगातार डेली वो सेशन अटेंड करती हूँ। मुश्किल से बीच में कोई दिन आता है जिस दिन मैं वो नहीं कर पाती हूँ, और उसका प्रभाव ये है कि निरंतर जो जो सूचनाएं मुझे प्राप्त हुई हैं, जितनी भी समझ उसके द्वारा हुई है, उनको मैं व्यवहार में और अभ्यास में किस तरह से ला पाऊं, ये काम निरंतरता के साथ हो रहा है। तो एक सजगता, कल्पनाशीलता के प्रति, स्वयं के प्रति जो निरंतर रूप से बढ़ते हुए मैं स्वयं में देख पा रही हूँ, ये एक उपलब्धि मैं कह सकती हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनमें मैं अटकती थी, सवाल बहुत सारे बनते थे, उन सवालों को मैं मॉर्निंग सेशन में रखती थी, और मेरे ख्याल से काफी रखती हूँ, और उनका जिस तरह से मुझे आंसर मिलता है, जिस तरह से मेरे सवालों का समाधान किया जाता है, तो उससे मेरी ये जो यात्रा है और समझने की जो क्षमता है, उसमें काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है और काफी गति बनी है। कल ही मॉर्निंग सेशन में मेरी शेयरिंग वहां भी होने वाली है, तो मैंने उसकी तैयारी भी कर ली है। लेकिन आज अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करूं, तो ये जो पॉइंट है, हार्मनी इन सेल्फ, हार्मनी इन फैमिली, हार्मनी इन सोसाइटी, हार्मनी इन एग्जिस्टेंस, इन बातों पे मेरा ध्यान जाने लगा है, और सबसे पहले तो हार्मनी इन सेल्फ, उस पे प्रयास कर रही हूँ। अपनी कल्पनाशीलता, अपने भाव और विचारों को विशेष रूप से ध्यान देने की कोशिश करती हूँ, और इसी अभ्यास में और इसी प्रयास में मुझे कई सारे ऐसी मान्यताएं और संस्कार नजर आए जिनसे मैं अभी तक बिल्कुल अनभिज्ञ थी, और जब मुझे ये संस्कार दिखते हैं तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि अच्छा, ये जो मैं इतने सालों से सही मान के करती आई है, वो सिर्फ मान्यताएं हैं, वो सिर्फ संस्कार हैं, उनका समझ के साथ में कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीजें जब देख पाती हूँ, तो जो शुद्ध दृष्टा के रूप में स्वयं को देख पाना, जिसे कहा गया है, जब उस रूप से उस स्तर से, उस लेवल से जब इन चीजों को देख पाती हूँ, तो खुद में बहुत आराम भी महसूस करती हूँ, उत्साह भी महसूस करती हूँ, और दिन पर दिन जिन परिस्थितियों में मैं पहले बहुत परेशान हो जाया करती थी, उन परिस्थितियों में अब बहुत आराम की स्थिति में मैं रहने लगी हूँ। तो धीरे धीरे ये अभ्यास बढ़ता जा रहा है, ये प्रयास है। दूसरा, हार्मनी इन फैमिली की बात करूँ, तो ये मैं देख पाती हूँ कि संबंध तो मेरा है ही, है ना। कभी अपने संस्कारों के कारण और ना समझी के कारण जब मैं वो संबंध नहीं पहचान पाती थी, और उसके कारण जो भावों में स्थिरता नहीं हो पाती थी, तो परिस्थितियां गड़बड़ा जाती थी, भाव विरोध के उत्पन्न हो जाते थे, और इस कारण मैं बहुत दुखी हो जाती थी, प्रभावित हो जाती थी।
तो ये जो छटपटाहट है, ये जो दुखी होना है, ये जो संबंध को पहचान न पहचानने के कारण होता था, उसमें भी अब काफी कमी आ गई है। भावों में कंपैरेटिवली स्थिरता बनने लगी है, और इसी तरह से जो व्यवहार है उसमें भी मेरे जो अंदर की जो समझ है, अंदर की जो आरामदायक स्थिति है, उसका प्रभाव नजर आने लगा है। हालांकि बहुत ज्यादा तो अभी एक्नॉलेजमेंट मुझे नहीं मिला है दूसरों से, पर मैं स्वयं में देख पाती हूँ कि पहले जिन परिस्थितियों में मैं प्रतिक्रिया करती थी और सुखी दुखी होती थी, अब वहां पे मैं तटस्थ रह पाती हूँ या हारमनी के साथ में रह पाती हूँ। अगर सोसाइटी की बात करूँ, हारमनी इन सोसाइटी, तो स्टूडेंट्स के साथ में कॉलेज में मेरी जो स्थिति है वो पहले से बहुत बेहतर हुई है। पहले मेरी जो स्टूडेंट्स के लिए मेरा अवमूल्यन बहुत अधिक रहता था, उनसे मैं नाराज रहती थी, और मैंने कहीं ना कहीं ये मान लिया था कि ये लोग किसी भी लायक नहीं है। लेकिन अब मैं उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस कर पाती हूँ, उनके साथ में एक संबंध जो गुरु और शिष्य का है, और उसके कारण मेरी उनके प्रति जो जिम्मेदारी है, दायित्व है, ये मैं महसूस कर पाती हूँ। और क्योंकि हम टेक्निकल कॉलेज से नहीं है, इसलिए UHV कोर्स हमारे यहाँ नहीं चलते हैं, फिर भी मेरा प्रयास है कि किस तरह से मैं ये कोर्स हमारे कॉलेजेस में भी इंट्रोड्यूस हो सके। इसके लिए मेरी कल्पनाशीलता चलती रहती है, प्रोग्राम चलता रहता है। पर उसके अतिरिक्त, क्योंकि मैं होम साइंस गृह विज्ञान विषय से हूँ, तो हमारे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो परिवार से रिलेटेड ही होते हैं, मानव से, खुद स्वयं से रिलेटेड होते हैं। इसलिए अब जो मेरे एग्जाम्पल्स का कंटेंट है, अब जो मेरा बात बच्चों से जो बातचीत करने का कंटेंट है, वो बिल्कुल बदल गया है। और अब मैं उनके साथ में जिम्मेदारी और स्नेह के भाव के साथ में प्रस्तुत हो पाती हूँ। और अभी 2 दिन पहले ही मैं बच्चों से जब चर्चा कर रही थी, संवाद कर रही थी, तो एक बच्चे ने पूछा कि मैडम आपको गुस्सा कब आता है, किन बातों पे गुस्सा आता है? तो मैंने कहा तुमने ये सवाल क्यों पूछा? तो उन्होंने कहा कि आप, मैं अभी ही भीलवाड़ा आई हूँ, तो ये बच्चे जुलाई से ही मेरे संपर्क में है। तो उन्होंने कहा कि 1 महीना हो गया आपको पढ़ाते, लेकिन हमने कुछ भी किया हो या नहीं किया हो, कुछ भी गलत कर दिया हो, लेकिन आप कभी भी हमें, हम पर गुस्सा नहीं होती है, हमें बहुत प्यार से हर बात समझाती है, ऐसा तो हमने कभी पहले देखा ही नहीं। तो हम जानना चाहते हैं कि आप गुस्सा कब होती है। तो फिर मैंने उनको UHV के बारे में थोड़ा सा बताया, और मैंने कहा कि मैं प्रयास कर रही हूँ, और कि मैं मतलब तुम्हारे साथ जो मेरी दायित्व है, जिम्मेदारी है, उसके साथ पेश आ सकूं। और गुस्सा करने से कोई समाधान नहीं होगा, उल्टा मैं भी परेशान हो जाऊंगी, तो ऐसा वो देख पाए। तो इस तरह का संवाद जो है मेरा अब स्टूडेंट्स के साथ में होने लगा है। सोसाइटी में अपनी भागीदारी की बात करूं हारमनी के लिए, तो मैं वॉलेंटियरिंग मैंने छोटे छोटे लेवल पे स्टार्ट कर दी है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन करना हो या FAQs नोट करने हो। और इसके लिए मैं ये जो वीकली मीटिंग्स होती हैं, सैटरडे मीटिंग्स होती हैं, उनमें उनको ज्वाइन करती हूँ। और इसके अलावा अगर वॉलेंटियर ट्रेनिंग जो है, वो भी मैंने अभी फ्राइडे को ही वो मीटिंग भी अटेंड की है, और मैं अपनी भागीदारी देने के लिए तैयार हूँ। और एक और प्रयास जो मैं कर रही हूँ वो है कि मुझे रिसोर्स पर्सन के रूप में अपने आप को डेवलप करना है। और अगर जो बात मैं आगे कहने जा रही हूँ, अगर मैं पहले की शशि होती तो ये बात मैं कभी नहीं कह पाती, जैसा कि मेरा अवमूल्यन का बहुत बड़ा संस्कार रहा है। लेकिन अब मैं ये बात विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मुझ में ये पोटेंशियल है कि मैं एक अच्छी रिसोर्स पर्सन बन सकती हूँ। तो मैं अपनी इस क्वालिटी को निखारने का प्रयास कर रही हूँ, ऑलरेडी वीडियो सुन रही हूँ, नोट्स ले रही हूँ, और अपने सिस्टर के साथ में, अपनी भांजी के साथ में, अपनी फ्रेंड के साथ में एक छोटा सा ग्रुप बनाकर अपनी बात रखती हूँ, कंटेंट रखती हूँ, चर्चा करती हूँ। तो इस तरह से ये
मुझे नहीं पता कि ये मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, लेकिन जिस तरह से मैं कंटेंट को रख पाती हूँ, समझा पाती हूँ, तो खुद भी समझ पाती हूँ, और जब समझा पाती हूँ तो एक विश्वास भी मेरे अंदर डेवलप होता है। तो इस तरह से भैया मैं चारों ही अवस्थाओं में हार्मनी के लिए, एग्जिस्टेंस की बात करूं, सह अस्तित्व की बात करूं, तो मैं ये देखने का प्रयास कर रही हूँ कि हर अस्तित्व में, हर इकाई के साथ में मेरा संबंध है, और शून्य के साथ, शून्य से, क्योंकि हम शून्य में संपृक्त हैं, शून्य में ओतप्रोत हैं, इसलिए हम सभी आपस में किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, चाहे संपूर्ण मानव प्रजाति की बात करूं या जो अन्य अवस्थाएं हैं, अन्य इकाइयां हैं, उनकी बात करूं, तो उसमें अभी मेरी भागीदारी क्या हो सकती है, वो मुझे अभी उस पे काम करना है। लेकिन स्वयं जितना ज्यादा जो भौतिक सुविधाओं और उनके लिए बढ़ाने का और उनसे सुख पाने का जो प्रोग्राम था, उसमें मैं देख पाती हूँ कि काफी कमी आ गई है। समझ के आधार पर सही क्या है, इसका मूल्यांकन मैं करती रहती हूँ, स्वयं में देखती रहती हूँ कि क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही हूँ। और ये हर मानव के साथ में संबंध है ही, अब बात ये है कि मुझे उस संबंध को पहचानना है और उसके अनुसार निर्वाह करना है, इस पर मेरा अभी काम चल रहा है। तो भैया ये मेरी जर्नी है, और उपलब्धियों की हाँ कुछ बात करना चाहूँ तो पहले मुझ में एंजाइटी बहुत ज्यादा रहती थी, वो अब कम होने लगी है, और मुझे लगता था कि हाँ, मेरी जो स्पेशली अवस्था मुझसे है। हाँ भैया समय का ध्यान रखते हो अगर इसको वाइंड अप कर पाए। जी, दो चार लाइनें और हैं, तो एंजाइटी लेवल में मेरे काफी कम कमी हुई है, नींद काफी डिस्टर्ब रहती थी, वो अब मतलब मुझे बेहतर नींद आने लगी है, और इस तरह से कुछ जो है उपलब्धियां मैं स्वयं में देख पा रही हूँ। जी भैया इतनी ही बात रखनी है मुझे। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए हम सभी तो सत्र को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आज की कीनो सत्र के लिए जो कि स्वयं में विकास और समूह में विकास है। इसके लिए हम सब पुनः सभी को नमस्ते। जी जी भैया जो बात मैं रखने जा रहा हूँ उस पे पूर्व में गणेश जी ने बात रखी भी है, तो मैं उसको एक पुनरावृत्ति करूँगा और साथ में ही हम लोग इस पे चर्चा कर सकते हैं। तो 40 मिनट का अपने पास समय है, जिन बिंदुओं पे अपने को लगता है कि और स्पष्टता की ज़रूरत है या अपने जांच परख से कुछ नए प्रश्न बने हों तो उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग बात करते रहे कि पर्सनल डेवलपमेंट, टीम डेवलपमेंट, सोसाइटल डेवलपमेंट, तो पर्सनल डेवलपमेंट यानी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन से काम शुरू हो रहा है और धीरे धीरे हम समाज के ट्रांसफॉर्मेशन, सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच पा रहे हैं, और इसको हमको अल्टीमेटली देखें तो अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, मानवीय परंपरा तक ले जाना है। तो किस तरह मेरा स्वयं में जो विकास है, मेरी परस्परता में विकास में सहायक है, और किस तरह जो परस्परता में विकास है वो पूरे समाज के सर्वांगीण विकास में सहायक है। तो ये बात हुई थी कि हम जीना चाहते हैं, उसके लिए हमें सुविधा की जरूरत है, तृप्तिपूर्वक जीने की बात करें तो सुविधा के साथ संबंध की जरूरत है, और निरंतर तृप्तिपूर्वक बात जीने की बात करें तो समझ, संबंध और सुविधा, इनको सही वरीयता से स्वयं में सुनिश्चित करने की जरूरत है। इनकी वरीयता हमें ठीक से स्थापित हो जाए और जीने में इनको हम ठीक से वरीयता दे पाए। तो एक मानव चेतना के रूप में देखें तो ये तीन आवश्यकताएं दिखाई देती हैं, समझ, संबंध और सुविधा। तो समझ के साथ संबंध का निर्वाह करते हैं, उभय सुख होता है, समझ से ही सुविधा की आवश्यकता का निश्चित निर्धारण कर पाते हैं, और फिर उसको जब प्रकृति के साथ परस्पर पूरक ढंग से पूरा करते हैं तो हम भी समृद्ध होते हैं और प्रकृति भी संवर्धित होती है, संरक्षित होती है, उसका सदुपयोग हो पाता है। तो मुख्य मुद्दा जो शिक्षा में है वो समझने का है, और जब जीने की बात करते हैं तो संबंध पूर्वक जीना कैसे हो, सुविधा का उत्पादन, संरक्षण, सदुपयोग कैसे हो, इसके लिए हम बहुत सारे स्किल्स डेवलप कर सकते हैं जो हमारे संस्कार का भाग है। तो हमें इस तरह के संक्रमण की आवश्यकता है। ऐसा हो सकता है कि
अपने जांच परख में लगने से पहले हमारा ध्यान मौलिक रूप से सुविधा पे टिका हुआ था और हम सुविधा से ही सुख सुनिश्चित करने में लगे हुए थे। परंतु जैसे जैसे ध्यान जा रहा है, हम मानव चेतना को देख पा रहे हैं, उसकी वरीयता को तय कर पा रहे हैं और उसको स्वयं में जीने में भी हम लागू कर पा रहे हैं। पूरे अस्तित्व को एक दृष्टि में देखें तो ऐसा दिखाई देता है कि शून्य है, शून्य में प्रकृति है, प्रकृति इकाइयों का समूह है, हर इकाई आकार में सीमित है, क्रिया है स्वयं में और परस्परता में क्रियाशील है। शून्य में बने रहते ऊर्जित है, नियंत्रित है, परस्परता को पहचानती है, निर्वाह करती है, जबकि शून्य असीम है, व्यापक है, क्रिया शून्य है। प्रकृति की इकाइयाँ दो प्रकार से हैं, जड़ और चैतन्य। जड़ इकाइयाँ दो अवस्थाओं में हैं, पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था। चैतन्य इकाई के साथ जब प्राणावस्था की कोई इकाई जुड़ती है, इसको पशु शरीर कहें, तो जीवावस्था तैयार होती है और मानव शरीर जुड़ता है तो ज्ञानावस्था तैयार होती है। इस तरह से पूरी प्रकृति शून्य में संपृक्त बनी हुई है और यही समझने का मुख्य मुद्दा है। तो कैसे हम अपने आप में सहस्तित्व को देख पाए, जिससे हमारे अंदर ज्ञान पूरा हो पाए, समाधान पूरा हो पाए, जिससे हमारा निश्चित आचरण हो पाए, यही मेरा विकास है। शेष प्रकृति में देखें तो चक्रीयता दिखाई देती है, विकास स्वयं में ही दिखाई देता है। तो ये एक काम है जो हम सबके लिए करने योग्य है और इसके लिए अभी हम साथ में जुटे हैं। ये जो हम नियमित रूप से वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, सुबह का सत्र अटेंड कर रहे हैं, आपस में मिलजुल के चर्चाएं कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, कार्यक्रम बना रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अल्टीमेटली देखें तो इसी बात के लिए है कि मेरा विकास हो जाए, मेरे संबंधी का विकास हो जाए, चैतन्य इकाइयों का विकास हो जाए। जी, इतनी बात को लेकर यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। इतनी बातें स्पष्ट हैं तो चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि इतनी बात स्पष्ट है। तो इतनी बातें हम लोग परिचय का जो वर्कशॉप होता है उसमें भी करते रहे हैं, UHV 2 में भी करते रहे हैं, तो इतनी बातें आप सबके ध्यान में आई होंगी, UHV 3 में करते ही हैं। तो मेरी अस्तित्व में भागीदारी क्या है? सर, जो प्रीवियस स्लाइड है इसमें आपने जो लास्ट वाला बॉक्स है, पर्पल बॉक्स, राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग, तो सर अगर राइट अंडरस्टैंडिंग है तो फीलिंग तो राइट होगी, तो उसको अलग से मेंशन करने की क्या जरूरत है? हम खाली राइट अंडरस्टैंडिंग वर्ड भी तो यहाँ लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। इनफैक्ट क्या होता है, राइट अंडरस्टैंडिंग कहने से हमें थोड़ी दूर की बात लगती है, तो व्यक्ति को दिखाई दे कि पहले फीलिंग पे काम होना है। तो अगर हम सिर्फ समझ को लिखते हैं, भाव को नहीं लिखते हैं ना, तो कई बार लोगों को लगता है कि हाँ ये हमारा गंतव्य है, यहाँ हमें पहुँचना है, बट ये बहुत दूर की बात है और इसलिए कई बार हम उसको ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाते और कई बार हम विचारों में ही कुछ निष्कर्ष निकाल कर उसको समझ मान लेते हैं। इसलिए भाव को हम लोग यहाँ रख रहे हैं ताकि मनुष्य का भाव की ओर ध्यान जाए। जब भाव पे काम करते हैं तो हमारे विचार भी ठीक होते हैं और समझ भी धीरे धीरे जागृत होता है। ओके सर, थैंक यू। तो अस्तित्व मेरी भागीदारी क्या है, किस प्रकार है? तो दिखता है कि जो पूरा अस्तित्व है उसमें संबंध है, व्यवस्था है, सहअस्तित्व है और मेरे अंदर पहले से इसके लिए सहज स्वीकृति बनी हुई है और मुझे सिर्फ इसको समझना है और इसको जीना है। तो यही मेरा कार्यक्रम है कि मैं सहस्तित्व को समझ पाऊं, मैं व्यवस्था को समझ पाऊं, मैं संबंध को समझ पाऊं और मैं इनमें जी पाऊं। मैं जितना जितना समझने के लिए कार्यक्रम बनाता हूं उतना ही जीने में ये दिखाई देने लगता है और जितना मैं फैल कर जीता हूं, बारीकी से जीता हूं, उतना ही समझने में सहयोग मिलता है। ये बात हमको दिख पा रही है? चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। यही मेरी कुल भागीदारी है, संबंध को समझना हो जाए, व्यवस्था को समझना हो जाए, सहअस्तित्व को समझना हो जाए और ऐसा ही मेरा जीना हो जाए। बढ़िया, इसको हम और ध्यान से देखें कि अल्टीमेटली जब संबंध को समझने की बात कर रहे हैं तो एक शब्द है संबंध, है ना, पर तो संबंध को समझने का अर्थ क्या हुआ? तो संबंध को समझने का अर्थ हुआ कि विश्वास, सम्मान, स्नेह, ये सारे भाव मेरी चिंतन में आ जाएं। व्यवस्था को समझने का अर्थ हुआ कि पूरी प्रकृति की व्यवस्था मुझे दिख जाए, ऐसा ही है। सहअस्तित्व को समझने का अर्थ हुआ कि मुझे सहअस्तित्व का अनुभव हो जाए, शून्य में संपृक्त प्रकृति मुझे जैसा है वैसा दिख जाए। तो अभी भी हम इनकी चर्चा कर रहे हैं, इनके प्रस्ताव का हम विश्लेषण कर रहे हैं,
इसको हम स्वयं में अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर जांचने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसके अनुसार कल्पनाशीलता को संयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जो कल्पनाशीलता चल रही है उसका मूल्यांकन करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी को अपने व्यवहार कार्य में जीने का प्रयास कर रहे हैं, उसी के अर्थ में योजना कार्यक्रम बनाते हुए भागीदारी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सभी इस क्रम में देखें तो साथ साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं, जांच रहे हैं और जीकर देख रहे हैं, है ना। और हम सभी इसमें एक दूसरे के लिए पूरक हैं, सहयोगी हैं। ये अपने को दिखता है थोड़ी जांच परख से कि हम सबकी सहज स्वीकृति वही है, हम सबके निरंतर पूर्वक जीने का कार्यक्रम भी यही है, और हम सबके अंदर ये क्षमता है कि हम इसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे। ये कोई विरले एक दो व्यक्तियों के समझने में आया ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो हम सब इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और हम सबके अपने अपने संस्कार हैं, अपनी अपनी एक योग्यता का स्तर है। योग्यता मतलब समझ का जो स्तर है हमारा, है ना। उसके साथ हम एक दूसरे के लिए सहयोग कर रहे हैं। कैसे सहयोग कर रहे हैं? तो पहले खुद में प्रस्ताव को जांच रहे हैं, प्रस्ताव को ठीक से सुन रहे हैं, प्रस्ताव की बारीकियों पे जा रहे हैं, फिर उसको हम संप्रेषित कर रहे हैं, दूसरे तक रख रहे हैं, फिर दूसरे को जांचने समझने में सहयोग कर रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं हमारे जीने से जुड़े हुए, उस पर हम चर्चाएं करते हैं, उसको अपने भी जीने में हम देखने का प्रयास करते हैं, अगले व्यक्ति को भी जीने में हम सहयोग करते हैं, उसके फल परिणाम आते हैं, मूल्यांकन करते हैं, उसके साथ फिर हम अपने में परिमार्जन करने के लिए प्रयास करते हैं। और देखें तो हमारा पूरा जो कार्यक्रम है जीने भर का, है ना, यही है। इसी क्रम में हमको सुविधा की आवश्यकता होती है तो उसको भी पूरा कर लेते हैं, शरीर का भी ध्यान रखते हैं, है ना। परंतु मूल कार्यक्रम इतना है, ये बात हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो पूरे अस्तित्व में देखें तो चैतन्य इकाई जो मानव में है, इसमें विकास की पूरी क्षमता है, विकास की पूरी संभावना है, और इसमें ही विकास होना है। शेष प्रकृति बनी हुई है ना, संरक्षित है। हमें स्वयं में विकास के लिए इस पर ध्यान देना है, इसको समझना है। अगर नहीं समझते हैं तो फिर हम प्रकृति को तहस नहस कर देते हैं, समझते हैं तो हम और अच्छे ढंग से पूरक हो पाते हैं। तो जब सेल्फ डेवलपमेंट, टीम डेवलपमेंट और सोसाइटल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि मुझमें जो क्रियाएं हैं जो अभी अजागृत हैं वो जागृत हो जाएं, तो मुझे संबंध का चिंतन हो जाए, व्यवस्था का बोध हो जाए, सहस्तित्व का अनुभव हो जाए। सहस्तित्व का अनुभव होता है तो उससे मुझे सहज प्रमाण मिलता है स्वयं में कि मेरी सारी क्रियाएं व्यवस्थित हो गई हैं इस आधार पर। इससे मेरा बोध पूरा होता है, इससे मैं स्वयं में सहज से संकल्पित होता हूँ कि अब मेरी पूरी कल्पनाशीलता इसी आधार पर चले। मुझे संबंध स्पष्ट होता है और मेरा पूरा चित्रण इससे गाइडेड रहता है। तो अभी हम नीचे से ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं सेल्फ डेवलपमेंट के क्रम में। हम साथ साथ जी भी रहे हैं, अपने परिवार में जी रहे हैं, जिन संस्थाओं में काम कर रहे हैं वहाँ जी रहे हैं, और जो हमारे साथी सहयोगी हैं इस मानवीय शिक्षा के, है ना, स्थापना में, मानवीय शिक्षा को आगे बढ़ाने में, उनके साथ हम एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। और इसके माध्यम से हम पूरे समाज को अखंड बनाने के अर्थ में, व्यवस्थित बनाने के अर्थ में प्रयासरत हैं। तो जितना जितना हम सेल्फ डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं उतना ही हमारी टीम बेहतर ढंग से डेवलप हो पाती है। आप देखेंगे कि जब हम इस प्रक्रिया में शुरू होते हैं तो हमारे बहुत सारे पुराने संस्कार रहते हैं कि दूसरे का हमें ध्यान मिल जाए, कोई हमारा नाम ले ले, हमारी पहचान बन जाए, परंतु तो धीरे धीरे हम इन सब का मूल्यांकन कर पाते हैं। अब ये जैसे ही हमारे अंदर ऐसे भाव बनते हैं तो टीम के डेवलपमेंट में बाधा आती है। अगर टीम में हर व्यक्ति सोचे कि मैं सबसे ऊंचा हूँ, सबसे ऊपर हूँ, मुझे सभी लोग पहचाने, मुझसे ये टीम पहचानी जाए, तो टीम का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। बट जब मैं इन भावों का स्वयं मूल्यांकन करता हूँ, मैं देखता हूँ कि देखो ये तो मैं परतंत्र हूँ, है ना, इस भाव से तो ना मैं सुखी हो पाऊंगा ना मेरा संबंधी सुखी हो पाएगा, तो संबंध में सही भाव क्या है, तो फिर मैं सही आकलन करता हूँ, अपना भी दूसरे का भी। मैं सब में उस क्षमता को देख पाता हूँ, सब में उसी चाहना को देख पाता हूँ, मैं स्वयं में आराम पाता हूँ। जहाँ मेरे सुख का स्रोत बाहर बना हुआ था उसके स्थान पर अब मुझे स्वयं में ही सुख का स्रोत दिखने लगता है, और धीरे धीरे मैं उसमें गति करने लगता हूँ। जब मैं ऐसा करता हूँ तो टीम भी सहज रूप से फिर डेवलप होने लगती है। जिस टीम को मैं साथ लेकर चल रहा हूँ, टीम मेरी तरफ देख रही है कि यह व्यक्ति किस प्रकार सुखी होने का प्रयास करता है, क्या दूसरों से अनुकूल भाव पाकर, पहचान पाकर, नाम पाकर, यह व्यक्ति के स्वयं में ही सही भाव स्थापित है, यह व्यक्ति क्या संवेदनाओं से सुखी होने में लगा हुआ है, या इसके सुख का स्रोत भीतर है। तो पूरा टीम मुझे ऑब्जर्व करता है,
और मैं पूरे टीम को भी इस क्रम में ऑब्जर्व करता हूँ, उनके डेवलप होने में सहयोग करता हूँ। तो जो मेरे अंदर डेवलपमेंट हो रहा है वो टीम को कॉम्प्लीमेंट करता है, टीम में जो डेवलपमेंट होता है वो एक एक सेल्फ को डेवलप करने में कॉम्प्लीमेंट करता है। और हम कहाँ हैं भागीदार सोसाइटी में, सोसाइटी हमारी तरफ देखती है ना। जैसे हम इस पूरे कार्यक्रम को देखें तो इस पूरे कार्यक्रम के केंद्र में कोई ऐसी पहचान बनाने की इच्छा या कोई धन को संग्रह भोग करने की इच्छा नहीं दिखाई देती। तो समाज में भी ये बात सहज रूप से जाती है, समाज भी इस बात को स्वीकार पाता है, देख पाता है, और सहज रूप से ये मानवीय शिक्षा कार्यक्रम आगे बढ़ता जा रहा है। तो हम जितना जितना एक टीम के रूप में डेवलप हो पाते हैं उतना ही सहज रूप से सोसाइटी के लिए भी हम काम कर पाते हैं। सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए अभी बहुत तरह के प्रयास हो रहे हैं, परंतु यदि उसके कोर में सेल्फ का डेवलपमेंट नहीं है, अगर हमको ऐसा लगे कि सुविधा जुटाकर समाज का विकास हो जाएगा तो हम उसी में लग जाते हैं। फिर जैसे हम सुविधा को केंद्र में लाते हैं, टीम भी सुविधा को केंद्र में ले आता है और हम भी सुविधा को केंद्र में लाकर फंस जाते हैं। तो अल्टीमेटली सुविधा से या सुविधा मात्र से समाज का विकास इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि स्वयं का विकास छूट जाता है। अतः जब हम स्वयं के विकास को केंद्र में रखते हैं तो हमारी टीम के लिए या समाज के लिए कितनी सुविधा की आवश्यकता है उसका हम आकलन भी कर पाते हैं, और हर व्यक्ति कैसे स्वावलंबी होकर उसको पूरा कर सकता है इसको भी हम सुनिश्चित कर पाते हैं, इसको भी हम संप्रेषित कर पाते हैं दूसरे तक। वैसे हम संबंध को ज़्यादा प्रायोरिटी दे पाते हैं। तो समाज में भी देखें तो सुविधा का अभाव कम दिखाई देता है, संबंध का अभाव ज़्यादा दिखाई देता है। परिवार में देखें तो यही बात दिखाई देती है ना। और एक टीम में भी यदि हम संबंध को प्रायोरिटी ना दें, किसी और बात को प्रायोरिटी दें या सुविधा को प्रायोरिटी दें, तो टीम भी डेवलप नहीं हो पाता। तो आपको दिखाई देगा कि जितना जितना मुझ में स्वयं में क्लैरिटी और कमिटमेंट बनता जाता है उतना ही टीम भी डेवलप होता है, उतना सोसाइटी भी डेवलप होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये कोर में है ना, परंतु इसको भी ठीक से सुनिश्चित करने के लिए हमको टीम में भी पार्टिसिपेट करना है और सोसाइटी में भी पार्टिसिपेट करना है ताकि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर पाए। तो एक छोर पर मुझे अपने आप में दिखाई देता है कि मुझे अनुभव तक पहुंचना है, अस्तित्व को देख पाना है। दूसरे छोर पे देखें तो मुझे सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करनी है, मानवीय परंपरा में भागीदारी करनी है, और जितना जितना मैं अपने आप में गति करता हूँ उतना मैं फैल कर व्यवस्था में भागीदारी कर पाता हूँ। जितना फैल कर मैं भागीदारी करता हूँ उतना ही स्वयं में आकलन के लिए मुझे अवसर मिलते हैं और मैं स्वयं में ज्ञान के लिए समाधान के लिए काम कर पाता हूँ। इतनी बात स्पष्ट है या इसको लेकर कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी, इनका कोई प्रश्न हो इतनी बात को लेकर तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ अगर ये पूरी बात स्पष्ट है। जो भैया ये मूल्यांकन की बात आपने कही है जैसे ना, तो मतलब मूल्यांकन के स्तर पे देखते हैं ना, तो मूल्यांकन के स्तर पे फसावट रहती है आमतौर पे, क्योंकि लॉजिकली जो बात ठीक लगती है वही बात ये ठीक लगती है कि जब तक ज्ञान की पूर्णता नहीं हो जाएगी, जब तक चीजें सभी समझ में नहीं आएंगी, अनुभव की स्थिति नहीं होगी, तब तक इवैल्यूएशन जो है वो भी सटीक नहीं होगा। तो जितना इवैल्यूएशन करने के बाद जो भी जीने में जाते हैं ना, तो बार बार ये स्थिति बनती है कि टीम में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे तसल्ली नहीं होती है ना, तो बीच की स्थिति बनती रहती है कई बार। तो उसमें मतलब बीच की स्थिति में कई बार ये लगता है कि अपने ऊपर फोकस करना है, कई बार लगता है टीम पे काम करना है, तो वो बीच की स्थिति बीच बीच में रहती है, हर बार नहीं रहती ऐसी, लेकिन बीच में बनता रहता है ऐसा। तो इवैल्यूएशन को लेके मुझे अपने आप में लगता है कि मेरा जो ठीक ठीक से ये है कि मैं ठीक से इवैल्यूएट नहीं कर पा रहा हूँ चीजों को। एक बात है तो अगर हम सही आकलन को देखें यानी सही मूल्यांकन को देखें तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली मूल्य को अंकित कर रहे हैं। ठीक, अब मूल्य को अंकित करने जाते हैं तो मूल्य हमें पूरी तरह से दिखा नहीं है, तो वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस ही रहेगा जब तक कि हमको मूल्य पूरी तरह से दिख ना जाए। तो जो आप बात कह रहे हैं वो होगा ही कि अभी मैं मूल्यांकन करने जा रहा हूँ, अब मूल्य मुझे मूल्य पूरी तरह से दिखे नहीं है, चिंतन में आया नहीं है, तो मैं मूल्यांकन कैसे करूँगा। तो होता यह है कि जब मैं मूल्यांकन करने जाता हूँ तो एक सीमा तक कर पाता हूँ, उसके आगे नहीं कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके आगे का मूल्य हमें दिखा नहीं है साथ साथ। अभी जितना दिखना भी हुआ है वो अगर देखें तो वैचारिक स्पष्टता बनी है, भाव में कुछ स्पष्टता बनी है, सहज स्वीकृति की ओर ध्यान गया है, बट अभी मूल्य पूरी तरह से दिखा नहीं है, ये जो चिंतन है ये जागृत नहीं हुआ है। तो अभी हम कुछ इस ब्लॉक B2 डोमेन में काम कर रहे हैं और हमें सहज स्वीकृति का पता लग रहा है, उसके साथ हम मूल्यांकन करने का प्रयास कर रहे हैं, और जितना सटीक मूल्यांकन करने जाते हैं उतना ही हमको मूल्य के ज्ञान का न होने का पता लगता है क्योंकि अभी हमें मूल्य स्पष्ट रूप से दिखा नहीं है।
तो हम उसके लिए और प्रयास करते हैं। इस पूरी पूरी प्रक्रिया में क्या होता है कि हम एक छोर पर ज्ञान के लिए प्रयास कर रहे होते हैं और मूल्य भी हमें पूर्णता में दिखाई देते हैं जब हम अनुभव तक पहुंच जाते हैं। दूसरे छोर पर हम अपनी कल्पनाशीलता को इसके अर्थ में सजाते जाते हैं अपनी सह स्वीकृति के आधार पर, उसके क्रम में यह व्यवस्थित होता जाता है। और ये जो फल परिणाम आते हैं परस्परता में, उस पर ध्यान देते हुए हम अपने आप में मूल्य को और सटीक ढंग से पहचानने का प्रयास करते हैं। तो जब हम कहते हैं सम्मान बराबर राइट इवैल्यूएशन, सही आकलन, तो अल्टीमेटली देखें तो सम्मान एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। हमारा जो निष्ठा है सम्मान के लिए, उसका हमको सुख मिलता है, बट सम्मान पूरा तभी होता है जब हम स्वयं में अनुभव तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि तब जाके हमको मूल्य पूरी तरह से स्पष्ट हुए। और जब हमको पूरी तरह से स्पष्ट होते हैं तो पूरी तरह से जीने में भी आता है। तो ये ऐसा होगा ही, इस पूरे क्रम में ये बना ही रहेगा। इतना ही है कि पहले जितनी चूक हो रही थी उससे अब कम होगी, फिर और कम होगी, फिर और कम होगी, ऐसा ही होगा। जी ठीक बात है भैया। और इसमें अभी ऐसा हो रहा है कि जितना ये आपाधापी चल रही है, बार बार गिरना उठना चल रहा है, इसमें जो चीज़ बार बार मुझे अभी की स्थिति में पुष्ट होती हुई दिखाई देती है, वो मेरी जिज्ञासा या नीड, अब डे बाय डे नीड बढ़ती जा रही है। मेरे को ऐसा अपने में लगता है कि मुझे काम करना ही है, समझना ही है, ध्यान देना ही है, या है ना इस, अब वैसे जैसे वो बार बार सुख दुख की स्थिति में जीना इतनी बार देखने को हो गया है कि अब वो नीड बनती जा रही है कि ठीक ठीक से समझना ही है, तो कमिटमेंट एक बनता है, इतना तो ध्यान आ रहा है। एक बात है भैया, इस पूरे प्रोसेस में होता यह है कि हमारी निष्ठा और परिभाषित होती जाती है, हमको और दिखने लगता है कि ज्ञान से ही सुख है, सही समझ सही भाव से ही सुख है। क्योंकि जितना जितना हम सटीक मूल्यांकन करने जाते हैं उतना उतना अपने अंदर अभाव का पता लगता है। हमको दिखता है कि अल्टीमेटली बाहर हम कुछ भी करते रहे, अगर इस स्वयं में अभाव बना हुआ है समझ का, भाव का, तो बाहर का जो कुछ भी एक प्रभाव के रूप में रहेगा क्षणिक रूप से रहेगा, उसमें स्थायी तो नहीं होगा, निरंतरता नहीं होगी, और ठीक चाहते हम बात निरंतरता है। जी। अभी तो मतलब ये वॉलंटियरिंग भी दबाव प्रभाव में करने का मन नहीं रहता, अब तो ये रहता है कि अपनी इच्छा से, मतलब समझ के आधार पे हो तो वही सस्टेन करेगी, तो उसकी तरफ भी ध्यान जाता है कि समझना बहुत जरूरी है, ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ, उसमें दो बातें हैं। देखिए, अभी एक बात तो ये है कि जब तक हम स्वभाव में स्थापित नहीं हो जाते तब तक हमारा दबाव या प्रभाव में जीना बना ही रहता है। अब वो दबाव प्रभाव में हम वॉलंटियरिंग करें या हम कोई दूसरा काम करें, बात तो उतनी ही रह जाएगी, बट वॉलंटियरिंग में संभावना यह है कि हम अपने स्वभाव तक पहुंच सकते हैं। बाकी कुछ भी अगर हम दबाव या प्रभाव में कर रहे हैं तो उसमें संभावना भी नहीं है। इसलिए अगर हमारा अभ्यास है, कंडीशनिंग कुछ बनी हुई है, उसका ज्यादा अच्छा सदुपयोग है कि उसको सार्थक कार्यक्रम लगाया जाए। ठीक बात है, नहीं ये बात तो स्पष्ट है भैया, अदर अगर बिल्कुल, इसमें नहीं लगे होते तो छूट चुके होते कब तक। और ऐसा तो नहीं कि इसको वॉलंटियरिंग को छोड़कर हम स्वभाव में स्थापित हो गए होते, वहां भी ठीक किसी प्रभाव में होते और उसका कोई निष्कर्ष भी निकलता, इससे कम से कम स्वभाव तक तो पहुंच पा रहे हैं। ठीक बात बिल्कुल ठीक बात। बढ़िया भैया नमस्ते। जी, नमस्ते। ये अभी आप जो अभी हम ध्यान दिला रहे हैं, तो उसके संदर्भ में ये चीज पूछना है कि जब आप कहते हैं कि जो है इस व्यवस्था जैसा है या जो जैसा है वैसा दिख जाए, तो एक तो ये पूछना है कि दिख जाए इसको एक बार फिर से, मैंने कई बार वैसे मॉर्निंग सेशन में भी आपसे पूछा है, तो फिर मेरे मन में प्रश्न आता है कि जो जैसा है वैसा दिख जाए, तो प्रकृति में तो हम देखते हैं कि फूल ही है, बहुत डाइवर्सिटी है, लेकिन जब उसको ध्यान देते हैं तो उसका एक इनेट क्वालिटी है जो ग्रोथ पुष्टि उसका धर्म है। ऐसे मनुष्य में देखते हैं तो बहुत डाइवर्सिटी है, छल है, कपट है, झूठ है, धोखा है, अनिश्चितता है आचरण में, तो वो दिख जाए मुझे कि नहीं जो ये ऐसा ही है, या मनुष्य का जो निश्चित स्वभाव है वो दिख जाए, ये क्या आप ध्यान दिलाना चाहते हैं, ये एक बार प्लीज दोबारा से मुझे समझा दीजिए। वही, जब दिख जाए कह रहे हैं तो इसका मतलब ये ब्लॉक B1 में जो क्रियाएं लिखी हैं ये जागृत हो जाए, चिंतन जी अनुभव ये जागृत हो जाए, संकल्प प्रमाण ये जागृत हो जाए, इसको दिखना कह रहे हैं। उसके पहले तो हम रूप का आस्वादन कर रहे हैं या गुण पे विचार कर रहे हैं, है ना। दिखना तो तभी है जब स्वभाव दिख जाए, धर्म दिख जाए, व्यवस्था दिख जाए, अस्तित्व दिख जाए, इसको दिखना कह रहे हैं। यानी वास्तविकता जो है वो दिख जाए, जो वास्तविक मूल स्वरूप जो है, जो इनेट क्वालिटी है वो दिख जाए, यही तो कह रहे हैं ना भैया। निरंतर है, सार्वभौमिक है, वो दिख जाए। जी, भैया ठीक है ना, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, सभी का धन्यवाद, नमस्ते भैया। बढ़िया दीदी।
तो अगर लक्ष्य को देखें तो व्यक्ति के स्तर पे लक्ष्य तो ये है कि हम मानव चेतना में जागृत हो जाएं, जो मेरी पूरी क्षमता है। तो हर व्यक्ति में क्षमता है कि अपने में समझ की पूर्णता को स्थापित कर सकता है, संबंध में सही भाव को स्थापित कर सकता है, सुविधा की आवश्यकता की पूर्ति भी श्रम पूर्वक कर सकता है, प्रकृति के साथ पूरकता का निर्वाह करते हुए। इस क्षमता का जब मैं सदुपयोग करता हूँ तो मैं निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जी पाता हूँ। तो उसके लिए शिक्षा में जब वो बात जाएगी तो कुछ ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स पे बात हो सकती है जो उसको यहाँ रखा गया है। तो शिक्षा से हम चाहेंगे कि हर व्यक्ति के अंदर एक समग्र दृष्टि बन जाए। तो ये तो हम नहीं कह सकते अभी कि 4 वर्ष के पढ़ाई लिखाई से या 10 वर्ष की पढ़ाई लिखाई से व्यक्ति अनुभव तक पहुंच जाएगा, बट इतना जरूर कहा जा सकता है कि उसके अंदर एक समग्रता की दृष्टि तो बन जाएगी। जहाँ आज के दिन छात्र सुविधा संग्रह भोग के बारे में ही सोच रहा है, दूसरों से ध्यान पाकर सम्मान जुटाने में लगा हुआ है, उसके बजाय उसके अंदर एक समग्र दृष्टि बनेगी जिसमें समझ, संबंध और सुविधा तीनों को प्रॉपर प्लेसमेंट दे पाएगा। वैसे ही विश्वास, सम्मान, इन भावों के मूल्यांकन से उसका व्यवहार ठीक हो पाएगा। तो आज के दिन देखें तो जो पढ़ा लिखा बच्चा है, हो सकता है उसका व्यवहार और गैर जिम्मेदार हो जाए, अहमता और बढ़ जाए, है ना, द्वेष का भाव, विरोध का भाव और बढ़ जाए। परिवार को साथ साथ लेकर चलने की, संयुक्त परिवार को निभाने की जिम्मेदारी और कम हो जाए। परंतु उसके स्थान पर अगर हम शिक्षा में सही ढंग से काम करें तो उसका व्यवहार और सामाजिक हो सकता है, वो और बेहतर ढंग से टीम को, परिवार को, संस्थाओं को, समाज को लेकर चल सकता है। वैसे ही प्रकृति के प्रति और जिम्मेदार हो जाए, है ना, प्रकृति का जहाँ दोहन शोषण करके उस सुविधा संग्रह भोग करने में लगा है, उसके स्थान पर प्रकृति के साथ अपने संबंध को देख पाए, प्रकृति की पूरी व्यवस्था को देख पाए, उसको संरक्षित करने का विचार कर पाए, उसके लिए प्रयास कर पाए, उसका सदुपयोग कर पाए। वैसे ही उसका एक नैतिक आचरण सुनिश्चित हो पाए। तो आज के दिन देखें तो शिक्षा में बच्चों के अंदर जो ललक है कि किसी प्रकार हमको ऐसा कुछ जॉब मिल जाए कि हम एक बार वो जॉब पा लें तो 3 पीढ़ियों के लिए कमा लें, चाहे जैसे भी हो, है ना, समाज का चाहे जो भी हो, प्रकृति का चाहे जो भी हो, है ना, मेरी जॉब मुझे पर्याप्त सुविधा दिला दे। तो उसके स्थान पर व्यक्ति के अंदर ये योग्यता हो सकती है कि नैतिक आचरण से जीने की उसकी निष्ठा बन जाए, तत्परता बन जाए, तैयारी हो जाए। वैसे अपने स्वास्थ्य को ठीक रख पाए, वातावरण को स्वच्छ रख पाए और उसके अंदर श्रेष्ठता की स्वीकृति हो पाए। परंपरा में जितने भी अभी तक प्रयास हुए मानव लक्ष्य के अर्थ में, उनको अप्रिशिएट कर पाए और जिन लोगों ने भी प्रयास किया है श्रेष्ठता के लिए, चाहे उसकी श्रेष्ठता या समाज में श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए, उन सबके प्रति उसके अंदर कृतज्ञता का भाव स्थापित हो पाए। तो ये गुण, ये है ना, व्यक्तित्व स्थापित हो सकता है। और यदि समाज के स्तर पर देखें तो समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व, ये लक्ष्य पूरे हो सकते हैं ताकि समाज न्यायपूर्ण ढंग से जी पाए। और वही अगर राष्ट्र के स्तर पर देखें तो राष्ट्र का विकास हो पाए इसी अर्थ में, ताकि पूरे राष्ट्र में हारमोनी हो और दूसरे राष्ट्रों के साथ परस्पर पूरक ढंग से जुड़ पाए। अभी हम लोग सुन ही रहे हैं, मतलब रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ वो 2 साल से चल ही रहा है, और अभी ईरान और हमास का जो युद्ध शुरू हो गया है ना, अब ये भी विध्वंसक होता जा रहा है दिन ब दिन। तो ये सब कठिनाइयाँ बनी हुई हैं। अगर हम सेल्फ डेवलपमेंट से काम शुरू करेंगे तो ये सब कुछ ठीक ठीक दिशा में जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। तो जो एफर्ट रिक्वायर्ड है सेल्फ डेवलपमेंट, फैमिली और टीम डेवलपमेंट, सोसाइटी डेवलपमेंट या ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके लिए हमको सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच लेके चलने की जरूरत है। उसी अर्थ में ये सब योजना कार्यक्रम बनाया जा रहा है। इसके अर्थ में ये बात हुई थी कि हम सब अब इस पूरे दृष्टि के साथ इस बात का आकलन करें कि मैंने, मेरे जीने का केंद्र कहाँ बना हुआ है, अभी मैं कहाँ से प्रेरणा पाता हूँ, मैं अपने जीने की लक्ष्य को कहाँ प्लेस करता हूँ। जैसे अगर आप सामान्य ढर्रा देखें जीने का तो कैसा बना हुआ है, अगर आप थोड़ा अपना ही अतीत देखें जब इस पूरे कार्यक्रम से न जुड़े हों या किसी जांच परख के कार्यक्रम से न जुड़े हों, तो हमको ऐसा लगता है ठीक है अभी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, अच्छे नंबर आ जाए, अच्छा प्लेसमेंट हो जाए, प्लेसमेंट का मतलब अच्छा पैकेज मिल जाए, ठीक, अगर गांव कस्बे में रह रहे हैं तो निकल कर महानगर में चले जाएं, महानगर में रह रहे हैं तो विदेश चले जाएं, और नौकरी मिलते ही एक अच्छी गाड़ी खरीद लें, मकान बुक करा लें, है ना, और शुरू किसी व्यक्ति से विवाह हो जाए, और फिर जो भी हमको संवेदनाओं को सुख मिलना है, सुविधाओं से दूसरे व्यक्ति के साथ, वो सब सुनिश्चित होता रहे, और फिर यही काम आगे चलता रहे, बच्चों को भी हम ऐसे आगे करियर में आगे बढ़ा दें, ठीक
ठीक, हम अगर महानगर तक पहुंचे तो हमारे बच्चे विदेश पहुंच जाएं, ठीक, अगर हम इस पद तक पहुंचे तो हमारा बच्चा और आगे ऊंचे पद पे पहुंच जाए, पूरे समाज का भले हमको दोहन शोषण करना पड़े परंतु मेरे घर में सुविधाओं का कोई अभाव ना हो। पहले हो सकता हम ऐसे सोचते थे, परंतु हो सकता अब है ना, तो जीने का हमारा वैसा ही कुछ दृष्टि बना हुआ था, बट अब ऐसा हो सकता है कि जीने के दृष्टि में काफी परिवर्तन आ गया है और आया ही है, तभी तो हम लोग साथ साथ एक टीम के रूप में काम कर पा रहे हैं। साथ साथ हम संडे को जिस दिन सभी लोग सोने का या घूमने का विचार करते हैं कि नहीं, अभी हम लोग साथ साथ बैठे कुछ सार्थक चर्चा कर रहे हैं, तो जरूर हमारे दृष्टि में परिवर्तन आया है। अब हम ये देखना है कि हमारे दृष्टि में परिवर्तन कहाँ पहुंचा है, अभी हमारे जीने का स्तर कहाँ है, अभी हमारे होने का स्तर कहाँ है। तो स्थूलतम स्तर देखें तो सुविधा है, अगर सुविधा को केंद्र में रख के जी रहे हैं तो हमारा पूरा विचार क्रम कैसे होगा, भाई उस व्यक्ति ने देखो है ना इतना पैसा जमा कर लिया, इस व्यक्ति को देखो इसका मुनाफा वहां पहुंच गया, उनको देखो उन्होंने 4 प्लॉट बुक करा लिए, उन्होंने मकान खरीद लिया, एक था दूसरा खरीद लिया, तो मुझे खूब सुविधा जुटानी है, खूब संग्रह करना है ना, और पूरे समय उसके लिए विचार चल रहा है, उसी में लगे हुए हैं। ये स्थूलतम स्तर है जहाँ पूरी दृष्टि सुविधा पे है, उसके लिए शरीर का भी तहस नहस कर रहे हैं, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, डायबिटीज हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है, दवाइयाँ खा रहे हैं, हर हफ्ते डॉक्टर को दिखा रहे हैं कि नहीं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं अंदर के, पता नहीं क्या हो जाए, कब हो जाए, सुन लिया कि भाई कोई ऑफिस में हार्ट अटैक से मर गया तो उसका भय भी बना हुआ है, बट उसी में लगे भी हुए हैं, तो पूरी तरह से जीव चेतना में जीना हो रहा है, सुविधा में सुख ढूंढ रहे हैं, और उसी के संग्रह भोग को हम निरंतर सुख के अर्थ में लगाने के लिए, पाने के लिए प्रयासरत हैं। उससे एक थोड़ी बेहतर स्थिति हो सकती है कि थोड़ा ध्यान अब शरीर पे गया कि भाई सुविधा ठीक है, जरूरी है, मना नहीं कर रहे हैं, खूब संग्रह भी हो ये भी ठीक है, बट शरीर खराब ना हो, तो फिर शरीर के समय लगा रहे हैं, भले थोड़ा सुविधा कम मिले बट आप शरीर के स्वास्थ्य पे ध्यान रख रहे हैं, तो सुबह शाम खूब है ना प्रयास कर रहे हैं कि शरीर स्वस्थ रहे, उसके लिए खूब पैसे भी खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, शरीर की आयु कैसे बढ़ जाए, कैसे हम शरीर को और ज्यादा सुंदर बढ़िया सुदृढ़ सुडौल बना के रख सकें, उस प्रयास में लगे हुए हैं। उससे और थोड़ा आगे की स्थिति देखें तो संवेदनाओं से सुख पाने में लगे हुए हैं, यहाँ पे दृष्टि थोड़ी हमारी और बारीक हुई, तो यहाँ पे सुविधा में तो बिल्कुल ही स्थूल था, उससे थोड़ा सा सूक्ष्म हुआ कि शरीर पे ध्यान गया, तो अब सुविधा और शरीर में चुनना हो तो शरीर को चुना, सुविधा को नहीं चुना। पहले क्या कर रहे थे, भले शरीर में कुछ भी बिगड़ जाए, रोग लग जाए है ना, बट सुविधा संग्रह होनी चाहिए कि नहीं, अब थोड़ा सा ध्यान शरीर पे गया था, अब थोड़ा और आगे बढ़े तो संवेदना पे ध्यान गया जिसमें मैं भी जुड़ गया, तो इसमें फिर हम ध्यान दे रहे हैं तो बट संवेदना कहीं ना कहीं बाहर से पाकर सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा सूक्ष्मता बढ़ी, जो हमको अनुकूल संवेदना मिलती है, हमको संगीत का हो सकता है सुख लग रहा है, हमको कोई गंध का सुख लग रहा है, हमको कोई दृश्य का सुख लग रहा है, तो इसमें हम अपने आप को लगा रहे हैं, तो उससे हम सुख पाने में लगे हुए हैं, ठीक है ना, तो फिर हमने इसमें इन दोनों से थोड़ी आगे प्रायोरिटी रखी और इसके लिए हम समय लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इससे और थोड़ा आगे की स्थिति देखें तो दूसरे से भाव पाने के लिए, अनुकूल भाव पाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हम काम करें ताकि हमारा नाम रोशन हो, लोग पहचाने, परस्परता में लोग मुझे जाने माने, ठीक है ना, कुछ ऐसा हमारे अंदर एक दृष्टि बने, चाहे जिस दिशा में हो, कुछ समाज के लिए सार्थक करके हो सकता है हम कोई आंदोलन ही करें, कोई समाज के विकास के लिए काम करें, या हम कुछ और कला विकसित करें, हम कोई और योग्यता विकसित करें, बट अल्टीमेटली दूसरे से हमें ध्यान पहचान मिल जाए तो हम उसमें लग गए। ये थोड़ा आगे की स्थिति बनी, क्योंकि अभी ये जो स्थूल चीजें थी उससे थोड़ा सा आगे निकल कर मैं में जो आस्वादन हो रहा है संवेदना का, मैं में जो आस्वादन हो रहा है भाव का, उस पर हमारा ध्यान गया, तो हम इसमें करते तो रहते हैं बहुत कुछ, बस थकते रहते हैं, मेहनत किया परंतु दूसरे ने ध्यान नहीं दिया, ध्यान मुझे कम मिला दूसरे को ज्यादा मिल गया, तो आपस में द्वेष भी बना रहता है ना, दूसरे के ऊपर निर्भरता बनी रहती है और इसमें उतार चढ़ाव लगा रहता है, अब अगर ध्यान जैसे अपेक्षा थी वैसा मिल गया तो उछल पड़े अंदर ही अंदर, बहुत ही है ना अपने अंदर खुश लगे, खुश हुए अपने आप में, अगर नहीं मिला तो नींद खराब हो गई, तो उतार चढ़ाव लगा रहता है, तो अल्टीमेटली इतनी तो हमने गति की कि जहां बिल्कुल स्थूल सुविधा में जुटे हुए थे उससे आगे निकलकर दूसरे से मिलने वाले भाव पे ध्यान दिया, उसके लिए हो सकता है हम अपने संवेदनाओं को भी अंडरमाइन कर रहे हैं, हो सकता है अपने शरीर को भी लगा रहे हैं, सुविधाओं को भी लगा रहे हैं, परंतु केंद्र में बना हुआ है दूसरे से मिलने वाला भाव, तो खूब दान दक्षिणा भी हो सकता है कर रहे हैं, खूब दौड़ भाग भी कर रहे हैं, है ना, प्रतिकूल संवेदनाओं के साथ काम कर रहे हैं, धूप में निकल रहे हैं, पानी में भींग रहे हैं, बट अल्टीमेटली
केंद्र क्या है, दूसरे से अनुकूल भाव मिल जाए। तो ऐसे भी लोग हमें समाज में दिखाई देंगे, और हम अपने आप में भी देखें तो ऐसा संस्कार हमें स्वयं में दिख सकता है। उससे आगे की स्थिति बनी कि ये भाव मुझ में स्थापित हो जाए, कम से कम प्रेरणा तो बनी, ठीक है ना। हमको दिख गया कि अल्टीमेटली दूसरे से मिलने वाला भाव है, इसमें निश्चितता निरंतरता को जितना भी जुटाने जाओ उतना ही खाली लगता हूँ अंदर, आप अंदर अंदर अंदर, क्योंकि दूसरे ने दिया तो ठीक लगा, नहीं दिया तो बुरा लगा, नींद खराब हो गई कि नहीं, अपने आप में आहत हो गए, खिन्न हो गए, अप्रसन्न हो गए, दूसरे के प्रति द्वेष बन गया, विरोध बन गया, दुराव हो गया। तो उससे आगे बढ़े कि स्वयं में सही भाव स्थापित हो जाए, एक प्रेरणा बनी, ठीक है ना, कि ये ठीक नहीं है भाई। स्वयं में जब तक भाव स्थापित नहीं होता तब तक तो ये भाग दौड़ उतार चढ़ाव है ना लगा ही रहेगा। तो एक आगे की स्थिति बनी। अब ये स्वयं में भाव कैसे स्थापित हो उसके लिए काम शुरू किया, तो फिर स्वयं पे ध्यान दिया। तो अभी भी ध्यान यहाँ पे संबंध या परस्परता में था, इससे हमने एक शिफ्टिंग तो ली बट अभी स्थापित नहीं हुआ है, प्रेरणा बनी है, इसका महत्व दिखा है, इसके प्रति जो आकर्षण था दूसरे से मिलने वाले भाव, संवेदना, शरीर, सुविधा, इससे थोड़ी दूरी बना ली, है ना। इससे तो पता लगा कि इसमें तो कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं, हासिल नहीं होगा। बट स्वयं में भाव स्थापित नहीं हुआ है तो ये दोलन लगा रहता है, स्वयं स्थापित करने गए पूरा नहीं पड़ा, फिर दूसरे से कुछ पाने गए, शरीर से कुछ पाने गए, वही पूरा नहीं पड़ा, फिर लौट कर आए। तो अभी हम देखेंगे तो हम में से हो सकता है हम में से कई साथी कहीं यहाँ पे दोलन कर रहे होंगे। S2 के स्तर पर स्वयं भाव स्थापित करने गए, नहीं हुआ तो दूसरे से भाव पाने गए, संवेदना पाने गए, वो पूरा नहीं पड़ा, फिर स्वयं में लग गए, कभी थोड़ा फिसल गए तो और नीचे आ गए, शरीर और सुविधा में लग गए, ये भी संभावना है। बट ये जो हम लोग सुबह के सत्र में अभ्यास कर रहे हैं कि स्वयं पे ध्यान दें, सुख स्वभाव या प्रभाव, इस पे ध्यान दें, तब हमारा अपनी कल्पनाशीलता पे ध्यान गया कि चल क्या रहा है उसको देखा जाए, अपने भाव को पहचानने का, विचार को पहचानने का, आशा को पहचानने का प्रयास किया, और दिखा कि जो कल्पनाशीलता है इसको प्रेरणा कहाँ से मिल रही है, मेरी स्वीकृतियों से, मेरे संस्कारों से। तो कल्पनाशीलता को देखना शुरू किया, एक गति बनी, बट दिखा कि ये भी मैं देखता जा रहा हूँ, दिखता जा रहा है, बट है तो सब गड़बड़ ही। मैं बार बार देखता हूँ भाव को, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, ज्यादातर समय सोचता विचार दिखता है या आशा के स्तर पर रुक जाता हूँ, बट अल्टीमेटली जिसको मैं सहज स्थिति कहूँ वैसा नहीं बन पा रहा, उतार चढ़ाव लगा रह रहा है ना। इसमें निश्चितता नहीं है, इसमें तृप्ति नहीं है, इसमें सजग भी नहीं हो पा रहा हूँ, कभी होता हूँ कभी फिसल जाता हूँ, फिर होता हूँ फिर फिसल जाता हूँ। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसको प्रेरणा मिल रही मेरे संस्कारों से, मेरे संस्कार में कुछ बैठा हुआ है। जैसे मैं अपने आप को शरीर मान के जीऊँ, है ना, मैं संवेदना या संवेदना को सुख मान के जीऊं, तो मैं ध्यान दे रहा हूँ भाव पे बट फिसल जा रहा हूँ, फिर फिसल के याद आता है कि देखो फिर फिसल गया, फिर लौट के आता हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे अपने संस्कारों पे काम करना है। अब ये 2C से 2B पे आने में समय लग सकता है। तो अगर हम लोग अपनी स्थितियों को देखें तो हमें खुद ही अपने आप में आकलन करना है कि मैं 6 नंबर पे हूँ या 5 नंबर या 4 नंबर या 3B पे आ चुके हैं या 3A पे काम कर रहे हैं, 3A पे काम करने के लिए 2C पे सजग हुए हैं, इस पे समय लगा रहे हैं, प्रयास लगा रहे हैं, जो भी छुट्टी का समय मिल जाता है, शेष समय मिल जाता है, बैठ जाते हैं, ध्यान देते हैं, है ना, मूल्यांकन करते हैं, कॉपी में नोटबुक में लिखते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर कुछ है ना शेयर करते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं, ताकि इस पे थोड़ा और काम हो पाए। बट हो सकता है संस्कारों पर काम शेष है, बट और जांच परख से हो सकता है हमें से कई साथी यहाँ पहुंच पा रहे हैं 2B पे, जहाँ हम अपने संस्कारों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं या कम से कम पहले से बेहतर ढंग से इसके प्रति सजग हो पा रहे हैं। बट ये भी पता लगता है कि इसको मैं देखता रहता हूँ, दिख रहा है कि संस्कार ठीक नहीं है ना, बट क्या करूँ, वो परिमार्जित नहीं होता, क्योंकि मुझे संबंध दिखा नहीं है, व्यवस्था दिखी नहीं है, सत्य तो दिखा नहीं है, तो अल्टीमेटली संस्कार को तो मैं पकड़ पा रहा हूँ बट उससे मैं निवृत्त नहीं हो पा रहा हूँ। अब क्या करें? तो फिर मैं शुद्ध दृष्टा के रूप में देखने का प्रयास करता हूँ कि चलो साक्षी भाव में शुद्ध दृष्टा के रूप में देखूँ। तो अल्टीमेटली फिर यहाँ संस्कार से निकल कर, जिसको अभ्यास 1 में भी अगर आप देखें तो स्टेप 6 में ये काम कर रहे हैं, संस्कारों को देखा, और अभ्यास 2 में भी देखें तो हम स्टेप 6 में भी काम करें, स्टेप 5 में भी ये काम कर रहे हैं कि मेरी सहज स्वीकृति क्या है उसको मैं देखूँ साक्षी की तरह, दृष्टा की तरह। तो अब ये 2B से 2A में आने में हो सकता है और हमको समय लगे S3 में, और मैं कहूँगा कि कई बार हमको लग सकता है कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ बट हो सकता है अभी नहीं कर पा रहा हूँ, यही नीचे में दोलन चल रहा है। तो अगर हम अपने दिन भर की स्थिति को देखें, इसको अगर आप एक आकलन करें या एक
ग्राफ ड्रॉ करें अपने लिए, तो आप पाएंगे कि हो सकता है सुबह के सत्र में जब आप शामिल होते हैं तो आप 2B या 2C पे काम कर रहे होते हैं, है ना। फिर कुछ समय तक 3A की स्थिति रहती है, फिर अपने वर्क प्लेस पे गए या परिवार में लग गए तो 3B या 4 में लग गए, फिर कोई मित्र आ गए या फिर परस्परता का कोई दबाव बन गया, पुराने संगी साथियों का दबाव बन गया, या टीवी में कुछ देख लिया, मोबाइल में कुछ देख लिया, तो फिर हम यहाँ हो सकता है 5 या 6 में स्लिप होकर चले गए ना। किसी ने कह दिया कि भाई तुम अभी उसी मकान में रह रहे हो, देखो मैंने तो यहाँ एक नया प्लॉट लिया था उसको बेचा और बढ़िया हमको रोड निकल गई बगल से और नया मकान ले लिया, कभी आना मेरे घर दिखाऊंगा मैं एकदम क्या सन फेसिंग अपार्टमेंट मिला है और ऐसा है वैसा है। अब हम यहाँ से फिसल, हो सकता है फिर सुविधा में लग गए, देखो यार कहाँ फंसे पड़े हैं, ये सब बुढ़ापे के लिए ठीक है, ये काम कर लो नहीं तो बाद में पछताएंगे, तो फिर हम यहाँ फंस गए सुविधा में, तो ये भी स्लिपेज हो सकता है। तो हमारे लिए जो आज के दिन करने काम है कि ये जो S3 का जो शिफ्ट है ना उसको हम सुनिश्चित कर पाए, इसमें जाकर आप पाएंगे कि हमारे अंदर निश्चितता, हमारे अंदर तृप्ति, हमारे अंदर सहजता बढ़ने लगती है, तो 2A पे ठीक ठीक काम करने लगे हम, तो ये काम डुएबल है। और आज के दिन हम 2B या 2C पे अगर काम कर रहे हैं इससे शिफ्ट होकर हमको 2A पे आने की जरूरत है, और ये थोड़ा और आगे की स्थिति है 1, जहां हम सहअस्तित्व या शून्य के स्तर पे देख पाए। इतनी बात मैंने रखी है अभी, आपको कुछ प्रश्न हो तो ले लेते हैं, समय तो ऐसे काफी हो गया, परंतु तो इतनी बात के आधार पर कुछ यदि प्रश्न बने हो आपके तो रख सकते हैं, 2-3 मिनट में प्रश्न ले लेंगे। सर, मेरा क्वेश्चन था, पहले एक मैडम ने क्वेश्चन पूछा था कि जैसे पेड़ पौधे हैं उसमें उनका स्वभाव दिखता है पुष्टि ग्रोथ, तो ऐसे ही मानव है, मानव में विभिन्न तरीके से छल कपट और सारी चीजें हैं, तो हमें स्वभाव मतलब क्या देखना है, एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, उसी के रिगार्डिंग मेरा क्वेश्चन बनता है कि जैसे मानव में हम देखना चाहें तो क्या देखें, मतलब कहते ना कि आप मानो को देखिए, मानो में क्या है, तो संबंध को देखना है जो हमें दिख जाए, जो हम कहते हैं दिख जाए, तो क्या संबंध दिख जाए मानो के अंदर, संबंध पूर्वक जीने का स्वभाव है ये दिख जाए, हाँ, ये यानी भाव। विश्वास दिख जाए, सम्मान दिख जाए, भाव हमें चिंतन में आ जाए, हमें स्पष्ट हो जाए कि मैं दूसरे को सुखी ही करना चाहता हूँ, दूसरा मुझे सुखी ही करना चाहता है, विचार पूर्वक नहीं परंतु अपने आप में दिख जाए अनकंडीशनली। ऐसा भाव हमें अपने अंदर दिख जाए, इसी को दिखना कहते हैं। जी, इसी को दिखना कह रहे हैं। नमस्ते ठीक है सर, ओके, धन्यवाद। भैया, ये जो 3A में है, स्वयं में भाव, इसको उदाहरण के साथ एक बार और स्पष्ट कर देते। और दूसरा, जैसे मान्यता में स्वीकृति का भाव, स्वीकृति या संस्कार है, तो अधिकांश समय तो मान्यता के स्तर पर ही जीना होता है, तो उसमें जब दिखता है कि ये हम मान्यता है, यहाँ पर सहज स्वीकृति नहीं है, तब जाके उस पर ध्यान जाने के बाद उसमें स्वभाव आ पाता है। तो इसको भैया 3A को वही और 2B को थोड़ा और स्पष्ट कर दें। तो, ये जो जीने के केंद्र की बात हो रही है ना, कि अभी हम यहां से टिक कर देख पा रहे हैं क्या, संस्कारों को हम सीधा सीधा देख पा रहे हैं क्या, या कल्पनाशीलता को ही देख पा रहे हैं, या स्वयं में सही भाव स्थापित हो पाए इसकी प्रेरणा ले पा रहे हैं। तो अगर सिर्फ प्रेरणा के स्तर पर कि स्वयं में सही भाव स्थापित हो जाए, हुआ नहीं है परंतु उसके लिए काम कर रहे हैं, अच्छा, है ना, होगा तो तब जब हम साक्षी के स्तर पर पहुंचेंगे, जी 2A में आएंगे, है ना, और पूर्णता होगी जब 1 से ऑपरेट करेंगे। अच्छा। तो जब हम हारमोनी में रहते हैं तो वही स्वयं का भाव है क्या? हार्मनी में है तो देख लें कॉन्टिन्यूटी है कि टेम्परेरीनेस है, अगर नहीं, कॉन्टिन्यूटी कंटिन्यूटी तो नहीं रह पाती है, वो तो फिर टूटता है फिर है आता है। तो ये उस समय क्या होता है कि जब टूटता है तो देखे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली कहीं दूसरे से कोई अनुकूल भाव नहीं मिला या शरीर से अनुकूल संवेदना नहीं मिली और इसका सुख नहीं मिला जो भी हम माने हुए थे, तो जी ये स्वयं में भाव बना नहीं रहता, तो ये जब यहाँ से जब काम नहीं हो रहा समझ के स्तर पर, है ना, संस्कारों में परिमार्जन नहीं हो रहा, तो ये दोलन करता रहता है। जी जी भैया, स्पष्ट जी। भैया, ये जो एक्युमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज के बारे में अपन बात करते हैं, तो फिजिकल फैसिलिटीज का असेसमेंट कर सकते हैं, कितना मकान चाहिए, कितनी गाड़ी चाहिए, कितनी ड्रेस चाहिए, लेकिन जब लाइफ में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज रहती है, जैसा बच्चा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, उसको बिजनेस डालना पड़ेगा, या हेल्थ इश्यू आएंगे, या इन्फ्लेशन बढ़ रहा उसके लिए कितना पैसा लगेगा, ये जो अनसर्टेनिटीज है
उसका असेसमेंट कैसा करेंगे? फिर उसी के कारण अपना एक्युमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज का जो मेन ड्राइविंग फोर्स है वही रहता है कि भाई जिंदगी में कैसी परिस्थिति आएंगी, कैसी सिचुएशन आएंगी, अगर मैं नहीं कर सकता हूँ, अगर वो सिचुएशन में कोप अप नहीं कर पाऊंगा, एक्युमुलेशन नहीं रहा मेरे पास, तो फिर दिक्कत आएंगी। तो ये इसका असेसमेंट कैसा करेंगे अनसर्टेनिटीज का, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, दो तरह के अनसर्टेनिटीज हैं। एक तो मानव के आचरण की अनसर्टेनिटी है, चाहे हमारे बच्चे का हो, स्पाउस का हो, या है ना, और संगी साथी हो या परिवार के लोग हो, तो मानव के आचरण की अनिश्चितता है। दूसरा है शेष प्रकृति में अगर कुछ अनिश्चित हो जाए, कोई है ना कलामिटी, नेचुरल कलामिटी हो जाए, जैसे पैंडेमिक हो गया है ना, इस तरह की अनिश्चितता है। तो जो पहली वाली अनिश्चितता है उसका तो कार्यक्रम यही बनता है कि हम में से हर व्यक्ति, परिवार का हर सदस्य, हमारी टीम का हर सदस्य अपने जीने के केंद्र को ऊपर तक ले आए। उसके लिए हम बचपन से काम करेंगे, बच्चे के साथ भी, पत्नी के साथ भी, है ना, अपने संगी साथियों के साथ भी, तो उसका तो निश्चित समाधान है ना। और हमको ये दिख अच्छा, सकता है कि चाहे बच्चा भी है, नहीं पढ़ रहा, ठीक है, परंतु परंतु उसमें समझने की क्षमता है, स्वावलंबी होने की क्षमता है। तो अगर हमने कोई ऐसी मान्यता बनाई हुई है कि उसके अनुसार बच्चे को चलना चाहिए, उसका मूल्यांकन करेंगे और बच्चे में जो क्षमता है उसको सदुपयोग करने में सहयोग करेंगे। साथ में कोई भी दिखता है कि समाज का हर व्यक्ति मेरा संबंधी है, सिर्फ बच्चे के विकास के लिए नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति के विकास के लिए मुझे काम करना है। तो जो पहली वाली अनिश्चितता है उससे तो बहुत है ना, मैं कहूंगा तैयारी, अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, इसका एक निश्चित कार्यक्रम है। जो दूसरे तरह की अनिश्चितता है कि प्रकृति में कुछ विध्वंसकारी घटना हो जाए, कुछ बिगड़ जाए, तो उसके लिए थोड़ा बहुत हम सेव करके रख लेंगे। उसके साथ भी आप देखेंगे कि जो भी हमको सुविधा का उत्पादन और उसका संचय करना है उसकी सीमा तय हो सकती है, इतना प्लस माइनस इतना। अच्छा, ठीक है भैया। यानी थोड़ा जनरल असेसमेंट करके एक बिल्कुल बिल्कुल कर अमाउंट, सकते हैं। अच्छा ये प्रोबेबल अमाउंट ये रहेगा करके अपन थोड़ा हायर साइड पे जा सकते हैं, ऐसा करके टोटल असेसमेंट जिंदगी में कितना लगेगा फिजिकल फैसिलिटीज और पैसा, ये इसका असेसमेंट कर सकते हैं, ऐसा ही ना भैया? जी, ओके बढ़िया भैया, भैया, ठीक। और चर्चा हम लोग करते हैं, परंतु समय की थोड़ी सीमा है, तो मैं अब यहाँ रोक देता हूँ। सभी को धन्यवाद। थैंक यू भैया। जी तो सेल्फ डेवलपमेंट, टीम डेवलपमेंट एंड सोसाइटल डेवलपमेंट का जो एक समझने वाला पक्ष है, जो अपने में थ्योरी का जो भाग है, उसको कुमार विहार ने बहुत अच्छे से ध्यान दिलाया और रखा। उसके एक एग्जाम्पल के रूप में मैं इस बात को रखना है मुझे कि एक तो मेरी जो यात्रा रही है वो कैसे, वो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, जब अपने लिए जब डेवलपमेंट को ध्यान में रख के जीने जाते हैं तो वॉलेंटियरिंग जब कर रहे हैं तो वो कैसे हमको सहयोग करता है, उसमें भी मुझे किस तरह से किया है, मैं उस बात को रख सकता हूँ और उस ध्यान जा सकता है तो उसके लिए ध्यान जाएगा। और फिर जब टीम डेवलपमेंट का हम जब सोचने जाते हैं तो टीम डेवलपमेंट को करते समय किस तरह से उसको देखना है और उसमें किन बातों को ध्यान देना है, तो उसको मैं थोड़ा उसमें कनेक्ट करूंगा और फिर पूरे टीम डेवलपमेंट के साथ साथ सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए जब जाएंगे तो क्या किन बातों को ध्यान रखना है, ये तीन मुद्दे मेरे तरफ से इसमें रखने हैं। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ, मतलब मैं अपनी यात्रा को देखता हूँ तो मैं बिल्कुल पहले वर्कशॉप से, मैं जो पहला वर्कशॉप अटेंड किया और उसको यही कहना ठीक रहेगा कि अटेंड नहीं किया, उसमें भी मैं वॉलेंटियर था। उस वॉलेंटियरिंग के साथ साथ जो है जितना सुन पाता था उतना सुना, पहले जो मेरा एकदम बिल्कुल पहला वर्कशॉप था, जो अक्टूबर 2008 की बात है, जब मैं बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट था उस समय, तो जो भी हमारे मेंटर थे उस समय भानु प्रताप सिंह सर, उनके साथ जो एक आश्वस्ति बनी थी और उस आश्वस्ति के आधार पे उनके व्यवहार में जो बहुत मूलभूत परिवर्तन आया, जो गुस्सा करने उनका एक मतलब मूल प्रवृत्ति थी शुरू में जब हम लोग वहां गए और लास्ट में देखा कि गुस्सा एकदम ही खत्म हो गया, तो उनको देख के और उनके साथ फिर हम लोग जुड़े और उनसे फिर बात हुई तो ये यूएचपी का पता चला। और यूएचपी का जब पता चला तब कभी कोर्स में नहीं था हमारे यहाँ, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी में कोर्स में नहीं था, तो लग रहा उस समय 2008 में एक कॉलेज में प्रयोग चल रहा था, तो उससे ये ध्यान गया कि इसको अटेंड करना चाहिए। तो एक वर्कशॉप हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया जिसमें भी मैं वॉलेंटियर था, और उसके बाद जितने वर्कशॉप हुए उस सब में मैं वॉलेंटियर रहा,
तो और सारे वर्कशॉप फेस टू फेस ही होते थे तब, तो उसमें कई तरह के जो भागीदारी है उसको करते हुए जितना सुन पाते थे उतना सुनते थे, जितना पे ध्यान जाता था उसको जीने का प्रयास करते थे, जहाँ पे फंसते थे वहां पे फिर बैठते थे सर के साथ और फिर उस पर चर्चा होती थी। तो मैंने जितना कुछ भी समझा उसके पीछे मैं लौट के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जो मेरी भागीदारी रही इस पूरे काम को करने में, उसको करते हुए मेरा ध्यान अपने पे गया और उससे ज्यादा ध्यान गया जिनके साथ मैं था, जिन लोगों के सानिध्य में मैं था, उनके जीने को देख के मेरा ध्यान गया कि उनका जीना कैसा है। तो जो भी मेरे से श्रेष्ठ व्यक्ति है अगर उसके सानिध्य में मैं जाता हूँ तो मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ कि व्यक्ति का जीना कैसा है, तो उसको देख के फिर ध्यान जाता है कि मुझे भी इनका ये अभ्यास ठीक है, ये प्रैक्टिस ठीक है और इसको मुझे अपने में भी करना है। तो जब भी किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के सानिध्य में आप होते हैं तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरी जो पूरी लर्निंग है मैं उसको देखता हूँ तो ऐसे ही हुआ हुआ है कि जो भी मेरे से श्रेष्ठ दिखा मैं उससे जो कुछ भी मुझे मिल सकता था मैंने उनसे लेने का प्रयास किया, और इस पूरे कार्यक्रम में जो मेरी भागीदारी बन सकती थी उस भागीदारी को देख पाना पाया और उसको करने का प्रयास किया। उसको करते हुए बहुत सारी चीजों पर ध्यान गया, उसमें से एक दो बिंदुओं पर मैं अभी ध्यान दिला देता हूँ। एक तो मुझे जो बहुत महत्वपूर्ण बात लगती है, हर व्यक्ति अपने संस्कार के साथ ही है, मैं भी अपने संस्कार के साथ ही हूँ। जो मूल काम है वो संस्कार में परिमार्जन का काम है, जिस जगह पे हम खड़े हैं वहां से आगे कैसे बढ़ पाए वो एक महत्वपूर्ण बात है। उसको करते हुए बहुत सारी चीजें अपने को रोकते रहती हैं, जो ध्यान अपना ध्यान नहीं जाता है और बहुत सारी चीजें अपने को रोकती हैं जो हम आगे यात्रा नहीं कर पाते। वॉलेंटियरिंग करते समय ये ध्यान गया कि बहुत सारे लोगों के साथ जब हम जीने जा रहे हैं और बात वैल्यू एजुकेशन की हो रही है, बात संबंध की हो रही है, तो वैसा जब हम करने जा रहे हैं तो हम तो संबंध पूर्वक ही करेंगे, इस स्वीकृति के साथ ही गए। और इस स्वीकृति के साथ जब गए तो बहुत सारा ऊपर नीचे चीजें होती थी, हर बार आपको हमेशा अनुकूलता मिलेगी ऐसा कभी होता नहीं है जीते हुए, तो बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती थी। उस ऊपर नीचे होने में अपने पे ध्यान बनाए रखना है कि मैं सही के अर्थ में कुछ सोच रहा हूँ, सही का जीने का प्रयास कर रहा हूँ और लोगों को सही जीने में सहयोग करने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं अपनी भागीदारी दे रहा हूँ। तो इसको करते हुए अपने पे बहुत ध्यान बना रहता था, तो वो ध्यान अपने पे बने रहने का अभ्यास वहां से काफी मतलब सुदृढ़ हुआ और उससे अपने पे ध्यान बना रहने लगा। और उससे जो दूसरा काम हुआ वो काम ये हुआ कि अपने को मतलब मुझे मेरा जो संस्कार मुझे जो दिखता है वो ये कि जो बार बार अपने को परेशान करता है वो अपनी अहमता है, अपना अहंकार है। वॉलेंटियरिंग के काम में मैंने देखा कि वह अहंकार पिघलने का काम काफी होता है, मतलब आप एक जगह पे हैं और आप वॉलेंटियरिंग का काम करें, जैसे छोटे छोटे चीजों को मैं ध्यान दिलाता हूँ, जैसे बाहर जब स्लीपर निकाल के अंदर लोग जाते हैं, शूज और स्लीपर अपने बाहर निकाल देते हैं और अंदर चले जाते हैं वर्कशॉप में, तो वो अरेंज करके नहीं रखते हैं शुरू के दिनों में, तो उसको अरेंज करना होता है। एक बहुत छोटा सा काम है ये, मतलब बहुत कम समय का काम है और बहुत कम ऊर्जा और बहुत कम मतलब उसकी जरूरत है, ध्यान की जरूरत है इस काम को करते, छोटा मैं इसी अर्थ में कह रहा हूँ कि कम ऊर्जा और कम ध्यान की जरूरत है इस काम को करने के लिए। तो उसको करते हुए कई बार ऐसा हुआ कि आप चप्पल अरेंज कर रहे हैं, जूतों को अरेंज कर रहे हैं और कोई एक व्यक्ति आया और वो अपना चप्पल आपको दे के चला गया, किसको भी रख देना। अब ये हुआ तो मतलब ये घटना तो बहुत आम बात है, ये तो होता ही है कि आप चप्पल लगा रहे हैं तो कोई दे के चला जाएगा, भाई इसको भी लगा दो चप्पल को। लेकिन ये होते हुए आपका भाव क्या बना रहा, तो ये सब में जो अपने पे ध्यान बना रहा और उस पर फिर ध्यान गया कि अपना भाव क्या बना हुआ है सामने वाले के प्रति, जो है अपना भाव ठीक बना रहता है या नहीं बना रहता है, तो उसमें ध्यान धीरे धीरे ये दिखा कि अपने पे ध्यान बने रहने के आधार पे अपना अहंकार धीरे धीरे जो है उसमें बहुत पिघला और बहुत धीरे धीरे कम हुआ, और उसको बार बार जो अपने से उठने लगता है, खड़ा होने लगता था, उस पे ध्यान जाने लगा और उसको समय पे ध्यान जाके और उसको सही दिशा देने का काम होने लगा। तो वो एक मुझे लगता है कि सेल्फ डेवलपमेंट के अर्थ में वॉलेंटियरिंग का जो काम है ना, इस तरह से बहुत मेरे को तो बहुत ही सहयोग किया है, मतलब बाकी लोग भी इसके बहुत सारा उदाहरण बताते हैं, अपने जो एक्सपीरियंसेस है उनको शेयर करते हैं, लेकिन मैंने देखा है छोटी छोटी चीजों से बहुत जो है
जब हम चाय का गिलास जो लोग पी के जाते हैं और उसको जब धुलते हैं, तो किस भाव से हम उस काम को कर रहे हैं, उसको ध्यान बना के अपने में देखते रहने से, वो बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप करते रहने से आपको ध्यान जाता है कि मेरा भाव क्या बना हुआ है, और इससे जो है अपना डेवलपमेंट होता है। तो ये सेल्फ डेवलपमेंट की पूरी मेरी यात्रा ऐसी रही, क्योंकि मेरा लिखने और पढ़ने का अभ्यास नहीं रहा है, तो मैं कुछ कहीं से पढ़ लूंगा और उससे मेरे को समझ में आ जाएगा, या बुक पढ़ लूंगा या कुछ नोट्स पढ़ लूंगा उससे समझ में आ जाएगा, ऐसा मेरा अभ्यास ही नहीं है। तो मैं तो सुन के, दूसरों को देख के और करके अपने में लर्न किया हूँ चीजों को, तो उस मेरा तो पूरी लर्निंग इसी क्रम में हुई है, और मुझे हमेशा लगता है कि मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, सब लोगों ने मुझे दिया है, मतलब मेरे को मिल गया है, मतलब मैंने उसके लिए कुछ किया नहीं है एफर्ट। तो ये एक तो सेल्फ डेवलपमेंट का काम। इसके क्रम में जब हम लोग आगे बढ़े और टीम डेवलपमेंट के काम में गए, तो मुझे दो बातें उसमें ध्यान में आती हैं कि एक तो जब हम मतलब बहुत सारी टीम के साथ अब काम करना है, तो वॉलेंटियर का मतलब क्या है? मतलब वॉलेंटियर का तो मतलब यही है कि वो अपने से जो उसको भागीदारी करना है, उसको लगता है कि मेरी भागीदारी है, मेरा काम है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा काम है, वो अगर ध्यान में नहीं आया उसके पहले जब मैं कर रहा हूं, तो मेरा मोटिवेशन क्या है उस काम को करने का? वो मुझे लगता है कि अपने को वो ध्यान में अगर नहीं बना हुआ है, तो जब हम टीम डेवलप मतलब टीम में वर्क करने जाएंगे, टीम में अपनी भागीदारी को करने जाएंगे, तो अपना मोटिवेशन को पकड़ना पड़ेगा पहले कि मेरा मोटिवेशन है क्या। जब मैं भागीदारी करने जा रहा हूँ यूएचवी टीम में, तो मेरा मोटिवेशन क्या है? मैं पहचान के लिए जा रहा हूँ, या ये लगता है कि ये मेरा काम है इसलिए जा रहा हूँ, या ये लगता है कि एनसीसीआईपी का है, एआईसीटी का काम है, या मतलब कॉलेज का काम है, किसी यूनिवर्सिटी का काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। वो मोटिवेशन हमको फिक्स करना पड़ेगा अपने में, मतलब फिक्स तो होता ही है, अपने में देखते रहना पड़ेगा कि मोटिवेशन है क्या। तो ये मोटिवेशन पहचान है, या एआईसीटी यूनिवर्सिटी या यूजीसी का काम है इसलिए, इस कॉलेज का काम है इसलिए करना है, या ये मेरा काम है इसलिए करना है। ये मोटिवेशन को जब तक हम फिक्स नहीं करते हैं, तब तक जब हम जो कर रहे हैं वो कितना हम सही करेंगे, ये कह पाना बहुत मुश्किल लगता है मुझे। जिस दिन ये तय हो जाता है कि ये मेरा काम है इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि उस दिन बहुत हम आराम में आते हैं और चीजें काफी ठीक दिशा में जाने लगती है। ऑनलाइन का जब बहुत सारा जब प्रोसेस शुरू हुआ, उस समय बहुत सारे लोग जब नए जुड़े, उनके साथ संवाद होता था, तो किसी एक मीटिंग में मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, किसने कहा, अजय पाल जी भी थे उस मीटिंग में, मुझे लग रहा था, याद आ रहा था कि, तो किसी ने कहा कि भैया मतलब आप लोग बताते हैं कि ये काम है वो काम है, और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कई लोगों में, और फिर समय से हम लोग कई बार कर देते हैं, कई बार नहीं करते हैं, और कई बार हम छोड़ देते हैं, कई बार भूल जाते हैं, कई बार फोन नहीं उठाते हैं, तो भी कोई डांटता नहीं है, कोई बोलता नहीं है। अच्छी बात सबसे यही लगती है मुझे इस टीम की। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, ये इसलिए है ना कि हमको लगता है कि ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, आप इस काम में मेरा सहयोग कर रहे हैं करने में, तो जब भी मैं देखने जाता हूं तो मैं उसको ऐसे ही देखता हूं कि भाई मेरा काम है और आप सहयोग कर रहे हैं, तो आप पे गुस्सा करना बनता नहीं है, आप मेरे ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे काम को आप कर रहे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कैसे कर सकता हूं आपके ऊपर गुस्सा, क्योंकि आप मेरा काम कर रहे हैं। तो वो दृष्टि हमारी बनी रहे कि ये मेरा काम है, मतलब टीम में भी जब हम दूसरे को कोई काम के लिए कह रहे हैं, तो वो मेरा काम है, उसका सहयोग करेगा वो व्यक्ति, ये दृष्टि अगर हमारी बनी रहती है, तो हमारा भाव दूसरे के लिए खराब नहीं होता है, फिर हमारा भाव मतलब ठीक बना रहता है, लगता है कि नहीं ठीक है, सामने वाला कर दिया तो ठीक है, नहीं तो मुझे तो करना ही है, मैं तो करूंगा ही क्योंकि मेरा काम है ये, तो ये मेरा काम है। ये मोटिवेशन जिस दिन शिफ्ट हो जाता है, उस दिन मुझे लगता है कि वॉलेंटियरिंग का काम शुरू होता है। उसके पहले बहुत शुरू मैं मानता नहीं हूँ इसको कि हुआ, उसके पहले तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी स्थिति को खुद ही आकलन करेंगे तो ठीक से पता चलेगा कि क्या कर रहे हैं, अगर हमारा मोटिवेशन कुछ और है तो। ये बात मुझे ध्यान में आती है। अब टीम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें मुझे दो चीजें ध्यान में आती हैं। एक तो हम जिस जगह पे है ना, वहां का एक लोकल जो वो है, वहां का एक टीम का डेवलपमेंट, मतलब हम जिस कॉलेज में हैं या किसी यूनिवर्सिटी में हैं, किसी संस्था में हैं, जहां पे भी हैं, वहां पे रहते हुए वहां पे एक लोकल का टीम का बन जाना। वो लोकल के टीम का महत्व तो इसलिए है क्योंकि मैं जब भी, मेरा अगर वहां का एक लोकल टीम नहीं है स्ट्रांग, तो जब भी मैं कुछ करने जाऊंगा और चाहूंगा कि यहाँ से निकल जाऊं, तो लोकल जो मेरा काम है वो सफर करता है कई बार, इसलिए अगर लोकल टीम हमारी डेवलप होती है,
तो कई बार वो लोग हमको फ्री कर पाते हैं कि नहीं ठीक है आप करिए, मैं हम लोग आपके इस काम को कर देंगे, या यहाँ का जो काम है उसको हम लोग कर देंगे, यहाँ पे जो भी चीजें ध्यान रखनी है उसको ध्यान रख लेंगे। तो एक तो लोकल के टीम का बनाना, मतलब वो जिस जगह पे ही हम जी रहे हैं उस जगह पे कुछ ऐसे लोगों के साथ एक आश्वस्ती को डेवलप कर पाना कि मेरे गैर हाजिरी पे भी या मेरे ध्यान न देने पे भी या मैं अगर भूल जाऊं तो भी वहां का जो लोकल का काम है ना वो सफर नहीं करेगा, ये लोग हैं मुझे ध्यान दिला देंगे, बता देंगे या करा देंगे या मिलके कर देंगे। वो अगर नहीं होता है तो हम बाहर का बहुत बड़ा फिर सोचने जाते हैं, तो वहां का चीजें सफर करती हैं या वहां के लिए ध्यान देते हैं तो बाहर का कुछ छूटता है। मुझे लगता है कि एक तो लोकल टीम का खड़ा हो जाना, और उसके लिए मेरा मतलब जो वहाँ का जीना है लोगों के साथ उस पर निर्भर करेगा कि वो लोग मेरे साथ कितना कनेक्ट हो पाते हैं। तो लोकल के टीम का डेवलप हो पाना, जहाँ पे भी हम कॉलेज जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे भी जिस इंस्टीट्यूशन में है, कॉलेज में है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, वहां पे कम से कम 4-6 लोगों का एक टीम बन जाए जो इस तरह से सोचना शुरू करे, और उसमें से फिर जो जिसकी यात्रा अधिक होगी वो बड़ी भागीदारी करेगा, बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करेगा, जो अभी उस तैयारी में है वहां की जो व्यवस्था है उसमें भागीदारी करेगा, और हम सब लोग मिलके जो है चीजों को कर पाएंगे ऐसा एक विश्वास बनेगा, तो हम थोड़ा निकल पाएंगे वहां से, नहीं तो निकल नहीं पाते हैं। जैसे अगर कोई रिसोर्स पर्सन के रूप में 8 दिन का वर्कशॉप या 5 दिन के वर्कशॉप के लिए जा रहा है कॉलेज छोड़ के, तो पीछे अगर कॉलेज में कोई काम आता है उसकी जिम्मेदारी पे तो कौन करेगा? कोई विश्वसनीय व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति तो हो, मेरी टीम तो हो एक जो उस काम को संभाल पाए, अदरवाइज मैं हमेशा प्रॉब्लम में ही बना रहता हूँ। तो एक तो लोकल टीम का डेवलप कर पाना, और दूसरा फिर यूएसपी टीम के साथ जो हम जुड़े हुए हैं उस टीम में जो डेवलपमेंट हो पाए, तो उस टीम में भी मैं देखता हूँ कि दो जगह से हर व्यक्ति अपने को देख सकता है। मैं उसको ऐसे देखता हूँ कि टीम में जब हम काम करने जाते हैं तो एक व्यक्ति है जो भागीदारी की जगह पे है और एक व्यक्ति है जो जिम्मेदारी की जगह पे है। तो किसी काम को ओवरऑल जिम्मेदारी किसी व्यक्ति ने ले लिया, वो इस तरह की अपने को डेवलप कर लिया है कि वो जिम्मेदारी ले लेता है, और उसमें फिर कई सारे लोग मिलकर अपनी अपनी भागीदारी करते हैं। तो जब मैं भागीदारी की जगह पे हूँ, मतलब मैं किसी के साथ काम कर रहा हूँ, किसी के गाइडेंस में काम कर रहा हूँ, तो वो जो काम कर रहा हूँ उसमें किस तरह से मुझे चीजों को देखना है, किस तरह से मुझे ध्यान रखना है, और जब मैं जिम्मेदारी की जगह पे आ गया हूँ तो किस तरह से मुझे चीजों को ध्यान रखना है, वो दोनों थोड़ा अलग अलग है। एक तो भागीदारी की जगह पे हूं तो मुझे लगता है कि चूंकि मैं उस पूरे काम का कोई एक छोटा सा पार्ट कर रहा हूं, तो वो छोटा सा पार्ट मैं कर तो जरूर रहा हूं, उतने को करके मैं समय से दे भी दूं, काम को पूरा भी कर दूं, लेकिन जिसके भी साथ में, जिसके भी गाइडेंस में या जिनके साथ में काम कर रहा हूं उनके साथ एक कम्युनिकेशन मैं बना पाऊं कि भाई ये तो मैंने कर दिया, अगर और कुछ हो तो उसको बताइए, मतलब मैं जो सहयोग कर सकता हूं मैं कर पाऊं। ये भाव जब बना रहता है ना कि सामने वाला व्यक्ति इतना बड़ा काम कर रहा है, मैं छोटा सा काम कर रहा हूँ और इस छोटे से काम को करके मैं, मुझे लगता है कि मेरा पूरा हो गया, ये भाव बनना मुझे लगता है कि अभी अपनी यात्रा बाकी है, अपना जो डेवलपमेंट है बाकी है, क्योंकि जब बड़ी व्यवस्था में हम भागीदारी करते हैं ना तो अपना डेवलपमेंट और फिर बढ़ता जाता है। तो जब मैं किसी के साथ काम कर रहा हूँ, मैं भागीदारी कर रहा हूँ, छोटे से पार्ट को किस करके दे रहा हूँ, तो वहां पे मैं टीम के साथ एक मैं अपने तरफ से भी बात को रख पाऊँ, या मीटिंग उसकी होती ही है उस मीटिंग में मैं अपने को बता पाऊं कि मैं इतना कर पा रहा हूं, इससे अधिक भी मैं कर सकता हूं, मुझे अवसर दिया जाए तो मैं कर दूंगा। तो वो उस दृष्टि से, और सामने वाला बड़ी व्यवस्था को संभाले हुआ है इस भाव के साथ, और उसकी श्रेष्ठता को मैं स्वीकार पाऊं, उसकी श्रेष्ठता को देख पाऊं कि सामने वाला व्यक्ति मेरे से श्रेष्ठ है, उस स्वीकृति के साथ जब मैं उसके साथ रहता हूँ तो सामने वाला व्यक्ति के साथ फिर मेरा एक कनेक्शन बनता है, एक संबंध बनता है, एक आत्मीयता बनती है, तो वो फिर आदमी धीरे धीरे ध्यान दे पाता है। और आपके लिए क्या उसको रास्ता बनाना है, क्या ध्यान देना है, आपको कैसे आगे बढ़ाना है, आपका डेवलपमेंट में क्या और चीजें जोड़नी है, वो फिर ध्यान रख पाता है, क्योंकि मतलब टीम धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, और उसमें फिर ये है कि ऊपर वाला रख पाएगा तो ठीक है, लेकिन नीचे वाला अगर खुद से ही आगे बढ़ के चीजों को, जिम्मेदारियों को संभालता है, तो ध्यान जाता है कि हाँ ये व्यक्ति ध्यान दे रहा है और इसको सहयोग करना है, और इनका सेल्फ डेवलपमेंट के लिए मुझे क्या करना है, वो फिर सोच पाता है। तो जब मैं भागीदारी वाली जगह पे हूँ तो ये बात मैंने इसमें कहा, जब मैं जिम्मेदारी वाले जगह पे हूँ, मतलब कोई कार्य काम है उसकी पूरी जिम्मेदारी मैंने ले ली है, उस जिम्मेदारी के लिए एक टीम है हमारे साथ, उस टीम के साथ मिलके उस काम को कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल जिम्मेदारी मेरी है,
उस जगह पे जब अगर मैं खड़ा हूं तो वहां से मुझे लगता है कि ज्यादा मतलब अब मैं जिम्मेदारी की जगह पे हूं तो फिर जिम्मेदारी भी ज्यादा है, क्योंकि जो लोग भागीदारी कर रहे हैं उनकी फिर जिम्मेदारी नहीं है, उनकी भागीदारी है, जिम्मेदारी तो मेरी है। तो वो जब मेरी जिम्मेदारी है तो वो काम होना ही है, ये मैं उस तरह से सोचता हूँ, और मेरा काम है और ये सब लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं उस काम में। इस दृष्टि से जब हम देखने जाते हैं तो अपना जो भाव है ये सारे लोगों के साथ ठीक बना रहता है। अदरवाइज अगर मैं ये सोचता हूँ कि भाई ये मतलब AICTE का काम है या यूनिवर्सिटी का काम है और मैं इसमें बड़ा काम कर रहा हूँ और ये लोग छोटा काम कर रहे हैं, तो मेरा भाव फिर उनके लिए एक तरह का हो जाता है। तो ये भाव बने रहना कि ये मेरा काम है और ये पूरी जो मेरी टीम है, ये पूरी टीम इस मेरे काम में मेरा सहयोग कर रही है, इस दृष्टि से जब देखते हैं तो उन सबके लिए अपना भाव बहुत अच्छा बना रहता है, बहुत संबंध का बना रहता है, कृतज्ञता का भाव रहता है, ये सब लोग मेरा सहयोग सपोर्ट कर रहे हैं इस काम को करने में। तो एक तो बात यह है कि वो मेरा भाव उनके साथ ठीक बना रहे, फिर उसके साथ साथ क्योंकि मैं जिम्मेदारी की जगह पे हूँ, मेरी योग्यता बाकी से हो सकता है कि एक लेवल की अधिक हो, तो मैं उन सबकी योग्यता को बढ़ने में किस तरह से सहयोगी हो सकता हूँ, इसका भी कार्यक्रम सोचने की जरूरत है। मतलब काम हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन वो काम होना, काम कराना मुद्दा नहीं है, मतलब वो हमारा उद्देश्य नहीं है काम निकाल लेना है या काम करा लेना है। हमारा तो उद्देश्य है कि ये जो भी हमारे टीम में लोग हैं उनका सेल्फ डेवलपमेंट और फिर उसके साथ साथ टीम डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट नहीं होगा तो टीम डेवलपमेंट नहीं होगा। तो उनके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए मुझे क्या करना है, क्या ध्यान दिलाना है, कैसे उनसे बात करना है, कैसे उनको ध्यान दिलाना है, कैसे उनके लिए आगे का कार्यक्रम सोचना है, कैसे बनाना है, कैसे उनको वो ध्यान रखना पड़ता है जो व्यक्ति जिम्मेदारी की जगह पे। अगर वो नहीं हम ध्यान रखेंगे तो फिर वो काम करते करते व्यक्ति फिर बोर हो जाता है, उसका अगर सेल्फ डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ तो काम करने के लिए नहीं है वो, और वो ठीक भी है, मतलब उसको ठीक ही मानता हूँ कि काम करने के लिए व्यक्ति नहीं है, वो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए है। उस सेल्फ डेवलपमेंट में काम सहयोगी हो जाएगा ये एक और बात है, लेकिन केवल काम करेगा वो मुझे लगता है कि बहुत ठीक नहीं है। तो उसका सेल्फ डेवलपमेंट केंद्र में हो सकता है कि उसके भी केंद्र में ना हो, लेकिन चूंकि मैं अधिक समझदार जिम्मेदार हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि उसको इस बात को ध्यान दिला पाऊं कि सेल्फ डेवलपमेंट मुख्य बात है और वो केंद्र में होना है, उसके लिए मुझे ध्यान रखना है, तो मैं उनका भी ध्यान दिला पाऊं और उनके साथ जुड़ पाऊं। और उसमें जो मुझे लगता है कि जब टीम के साथ हम काम कर रहे होते हैं तो उस टीम में फिर बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, वो एक दूसरे के बीच में जो आत्मीयता बनती है ना, वो आत्मीयता अगर नहीं है तो फिर वो काम काम की तरह चलता है, नहीं तो फिर वो काम काम की तरह नहीं चलता है। तो वो आत्मीयता को डेवलप करना है, उस आत्मीयता को डेवलप करने के लिए मुझे लगता है कि इस बात को ध्यान रखना पड़ता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है उससे मैं केवल काम की बात ना करूं, मैं थोड़ा समय निकाल के जो अपनी टीम में लोग हैं उनके साथ मैं बहुत सारी बात करूं, मतलब उनके पारिवारिक स्थिति क्या है, उनके परिवार में कौन कौन लोग हैं, उनके परिवार में जो लोग हैं उनके साथ कैसा उनका आत्मीयता है, आपस का संबंध कैसा है, आपस में किस तरह की स्वीकृति है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है और किस जगह से वो अपने को देखते हैं और कहाँ पे फंसे हुए हैं या कहाँ से निकल पाए हैं, उनकी सामाजिक दृष्टि से कहाँ पे वो खड़े हैं, ये सब अगर हमको नहीं पता होगा ना तो हम उस व्यक्ति के बारे सही सोच नहीं पाते। मतलब मैं जब 2011-12 से लेके और 2019-20 तक UPTU जो AKTU के साथ जो काम किए हम लोग और एक टीम डेवलपमेंट का काम हुआ, तो उसमें मुझे ध्यान है कि कम से कम संख्या 50 से ऊपर ही रही होगी जिनके मैं पूरे परिवार की स्थिति परिस्थिति को जानता था कि भाई परिवार में कितने लोग हैं, कैसे है इनका आर्थिक स्थिति, कौन है, कौन जॉब करता है, कौन नहीं करता है, कैसा स्थिति है, कैसा आत्मीयता है एक दूसरे का, एक दूसरे के साथ संबंध कैसा है, किसके पति जो है उसके इस काम को लेके नाराज हैं, खुश हैं, किसकी पत्नी का जो है उनके साथ नहीं बनती या किस चीज क्या चीजें फंसी हुई हैं, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि हमको पता होना जरूरी है जो भी हमारे टीम में लोग हैं। अगर ये बात हमको नहीं ध्यान में है ना तो हमको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति फंस गया है, क्यों फंस गया वो हमको पता ही नहीं है, क्यों नहीं निकल पा रहा वो हमको पता नहीं है, वो हमको पता होना जरूरी है। जब हम मेंटर के रूप में एक जगह पे खड़े होते हैं तो ये बात हमको पता होना जरूरी है कौन व्यक्ति कहाँ पे खड़ा है और उसकी क्या स्थिति है, पारिवारिक स्थिति क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, उसके जॉब को लेके क्या उसके इशूज हैं, उस जॉब से सेटिस्फाइड है नहीं है, क्या है कैसा है, ये सारी चीजें मुझे वो कैसे पता चलेगी, जब हम उससे काम के अलावा भी जब समय मिलेगा तो बात करेंगे, बात करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि वो ध्यान में अपने रहेगा तो वो टीम डेवलपमेंट का जो काम है ना वो ठीक से होगा। ये काम कराना कोई उद्देश्य नहीं है मुझे लगता है कि टीम में,
जब लोग जुड़ जाते हैं, उनको अपना काम दिखने लगता है, तो फिर लोग काम करने लगते हैं। देखिए वॉलंटियर का मतलब ही है कि वो अपने से करेगा, मतलब हमारे कराने से करेगा, तो फिर वॉलंटियर नहीं है वो। हाँ, हम उसको सहयोग कर सकते हैं कि ये काम है, ये काम है, ऐसा ऐसा करना है, लेकिन हम कहेंगे तब करेगा वो, इसका मतलब कि अभी वॉलंटियर नहीं है वो। वो तो जिस दिन उसको लग जाता है कि मेरा काम है, वो खुद ही पूछता है कि भैया और क्या करना है बताइए, मैं करूंगा। लेकिन वो कब होगा? जब हम जुड़ पाएंगे इस तरह से, जब कनेक्शन बनेगा एक दूसरे के साथ हमारा, तो वो मुझे लगता है कि कनेक्शन बनाना एक महत्वपूर्ण बात है। और उसमें जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात लगती है इस पूरे प्रक्रिया में, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे ये बात ध्यान में बनी रहे कि दूसरा मेरे जैसा है। ये बात अगर ध्यान में नहीं बनी रहती है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। इस बात को बहुत सेंटर में रख लेना आवश्यक है कि दूसरा मेरे जैसा है। समय पूरा हो गया है, मैं 1-2 मिनट में इसको क्लोज कर देता हूँ। तो दूसरा मेरे जैसा है, ये बात मेरे हमेशा ध्यान में बनी रहे, और उसके साथ ये सब कुछ हम करें, जो कुछ भी मैंने बहुत सारा बात किया, ये सब जो है ध्यान में अपने को रख पाए, तब जाके जो है इसे टीम डेवलपमेंट का काम जो है हो पाएगा। एक बात जरूर अपने को ध्यान में रखना जरूरी है कि जो कुछ भी ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरे करने का आशय क्या है? मतलब दूसरे से भाव पाना मेरा आशय है, दूसरे को खुश करना मेरा आशय है, या मुझे ये लगता है कि ये मुझे यही करना है, यही मेरी जिम्मेदारी है, यही मेरी भागीदारी है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। ये बात अपने ध्यान में बने रहना जरूरी है। ये अगर ध्यान में नहीं बना रहता है तो फिर हम शिफ्ट हो जाते हैं, फिर वो भाव पाने के लिए, फिर अहंकार की तृप्ति के लिए, और बहुत सारी चीजों में हम फंस जाते हैं और उसमें लगे रहते हैं। तो दूसरा मेरे जैसा है, ये बात मुझे ध्यान में बना रहे, और जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये दूसरे से भाव पाने के लिए या दूसरे को खुश करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा काम है और मुझे लगता है मेरे लिए यही सहज है, और मैं ऐसा करके ही तृप्त होता हूँ, सुखी होता हूँ, ये केंद्र में बना रहता है, तो मैं सीख ढंग से टीम डेवलपमेंट के काम में, सेल्फ डेवलपमेंट के काम में लग पाता हूँ। और इसको करते हुए फिर जब सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए सोचने जाते हैं, तो बहुत सारी फिर टीम है, अपने यूएसवी की टीम्स को देखेंगे तो बहुत सारी टीम है जो अलग अलग रीजन में अलग अलग काम कर रहे हैं लोग, अलग अलग टीम है। अब इनके आपस की भी आत्मीयता एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो कई बार जो है वो सेंस, जो बचपन से ही वो ट्रेनिंग उस तरह की कंपटीशन वाली हुई है ना, तो कई बार वो कंपटीशन वाला चलने लगता है अपने में। वो कॉम्प्लीमेंट्री है हम एक दूसरे के, ये बात अपने ध्यान में हमेशा बना रहे, नहीं तो वो कई बार जो है ना वो कंपटीशन जैसा हो जाता है कि हमारी टीम अच्छी है या हमारा रीजन का जो काम है वो अच्छा है, या हम ज्यादा कर पा रहे हैं कोई कम कर पा रहा है। ये कंपटीशन की बात नहीं है, ये तो बात जो है कॉम्प्लीमेंट्री होने की है कि मैं कैसे सहयोगी हो सकता हूँ, जिस काम को मैं कर पा रहा हूँ उस काम में जो लोग नहीं कर पा रहे उनका मैं कैसे सहयोग कर सकता हूँ, या जो काम वो कर पा रहे हैं उस काम में मैं उनका कैसे सहयोग ले सकता हूँ। कुछ चीजें अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सपर्टीज होता है, तो अलग अलग चीजों को अलग अलग लोग डेवलप किए हैं और अच्छे से कर पा रहे हैं, तो वो सब में मेरा ध्यान बना रहे कि कैसे चीजें जो है सही दिशा में जाएंगी, कैसे ये पूरी टीम जो है एक साथ जुट के, एक साथ खड़े होके एक बड़े सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए सोच पाएंगे, एक बड़े विजन के लिए हमारा ध्यान जा पाएगा, हम सबका ध्यान जा पाएगा, और हम सब लोग मिलकर एक सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए काम कर पाएंगे। वो ध्यान अपने में बना रहे, वो कंपटीशन और जो है कहीं किसी द्वेष किसी तरह से अगर अपने में बनता है तो वो अपने को बहुत परेशान करता है। तो सेल्फ डेवलपमेंट केंद्र में है, उस सेल्फ डेवलपमेंट के साथ टीम डेवलपमेंट, और उस टीम डेवलपमेंट के साथ ही सोसाइटल डेवलपमेंट, ये मुझे ऐसे कनेक्ट होता हुआ दिखता है, वो फ्लो जो है इसी तरह से चलता है। उसमें अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीजों पर मुझे लगता है कि ध्यान रखना पड़ता है। समय थोड़ा कम है, पूरा हो गया है समय, 4 मिनट मैंने अधिक ले लिया है, तो मैं अभी यहाँ पे रोक लेता हूँ अपनी बात को, फिर कभी अवसर होगा तो और बात करेंगे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मोती भैया। हम एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं अगर किन्हीं के क्वेश्चन है, दो हैंड रेज हैं, एक बार पूछ लेते हैं। तो जो बात आपने कही बहुत ही मतलब उपयोगी है, इसमें दो तरह के प्रश्न बन रहे हैं। एक ही प्रश्न है, दोनों दो बातों पर आधारित है। एक तो कि जब हम आपने कहा कि जैसे कोई अगर काम नहीं कर पा रहा है तो उसके प्रति हम ये सोच सकते हैं कि ये मेरा ही काम है और ये मेरे सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसी मान्यताओं से ग्रस्त साथी भी होते हैं। जैसे जो यूएचयू से जुड़े हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जब प्रोफेशनल लेवल पे अपने कॉलेज में काम करते हैं, कोई काम करना है तो मान्यता बनी हुई थी कि हम नहीं करेंगे तो ये तो कर ही लेंगे। तो
तो फिर क्यों करना है। तो ऐसे लोगों के साथ थोड़ा सा कोई एक प्रोग्राम बना करके उनसे करवाने के लिए, क्योंकि वो भय के सिवा या किसी और बात के लिए तो तैयार नहीं होते। संबंध के भाव के साथ उनके साथ ऐसा कोई कार्यक्रम बनाया जा सकता है। तो वहाँ क्या ये ठीक रहेगा कि उनको किसी भय को दिखा करके या किसी बात से, ताकि वो करें वो काम को, ये ठीक रहेगा क्या? भैया मुझे लगता है कि भय और प्रलोभन से जब भी करने जाएंगे ना, तो वो टेम्परेरी सोल्यूशन है, मतलब वो जी परमानेंट है नहीं, तो वो तो करना संबंध पूर्वक ही पड़ेगा जिस दिन उनको मेरे साथ हाँ संबंध दिख जाएगा। इसीलिए मैंने शुरू किया तो यही कहा कि लोकल टीम डेवलपमेंट भी जरूरी है, जिस जगह पे हम है ना वहाँ पे भी एक टीम डेवलपमेंट करना जरूरी है, जिनके साथ भी मैं जी रहा हूँ उनका कम से कम उस लोकल लेवल पे आश्वस्ति तो हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारा लोकल लेवल पे आश्वस्ति नहीं है और फिर हम बड़ा काम करने का सोच रहे हैं और बड़ी जगहों पे बड़े ग्रुप से जुड़े हुए हैं और हमको लगता है कि हम बड़ा कोई काम कर रहे हैं। अगर हमारे जीने में कुछ अच्छा हो रहा है और कुछ अच्छा घट रहा है और मेरा आचरण ठीक हो रहा है, तो फिर लोकल में भी जो लोग हैं ना वो धीरे धीरे मुझे स्वीकारेंगे और एक वो पहचान है इस बात की कि कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। मतलब अगर मेरे साथ जो लोग रोज जी रहे हैं, जिनके साथ मैं जॉब कर रहा हूँ, रोज ही रहता हूँ उनके साथ, वो व्यक्ति अगर मुझे नहीं स्वीकार पा रहा है, इसका मतलब है कि मेरे आचरण में अभी कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है, जिससे लोग आहत हो रहे हैं। बिल्कुल जी तो वो लोकल का टीम भैया डेवलपमेंट इसलिए जरूरी है भैया, और वो संबंध पूर्वक ही जी जी होगा, और जी वो जी संबंध पूर्वक हो जाएगा तो फिर लोग करने लगते हैं, फिर हमको बहुत उसके लिए एफर्ट करना नहीं पड़ता है। जी भैया जी भैया, धन्यवाद भैया, बहुत सही बहुत सही। भैया मेरा प्रश्न इस प्रकार से था कि अभी शुरुआत में अजय भैया ने पूछा वही बात भी थी, इसमें शामिल ही है और आपसे भी एक बार पहले पढ़ते हैं। ये काम मतलब ये यूएचयू काम या कोई भी सामाजिक काम करते हैं तो उसमें मंच, माला, माइक, ये तीन चीज बहुत तेज गति से मिलते हैं और बड़ी तेज गति से पहचान होती है। तो खुद को मैंने याद है आपसे, एक मुझे याद है कि आपसे मैंने ये बात कही थी तो आपने कहा कि नाम मिले तो ठीक है, मतलब इससे दूर रहना अच्छी बात है लेकिन मिल भी जाए तो उससे ज्यादा प्रभावित नहीं होना है। ये बात मुझे उस दिन ही पकड़ में आई थी, आज से 4-5 साल पुरानी बात रही होगी ये बात। अब होता है कि भैया जैसे ये तीन चीज मिलती है ना तो आदमी का पद, कद और मत, ये तीन चीजें और बढ़ती है। जब टीम डेवलपमेंट में जाते हैं तो साथी इसमें कई बार फंस जाता है, ये मेरा निजी अनुभव रहा है कुछ सामाजिक क्षेत्र में काम करते करते। और जब उनका पताने के लिए जाते हैं ना तो वो उसमें लिपटे रहते हैं तो उसे बाहर नहीं निकल पाते, बल्कि वहां संबंधों को कई कई बार ऐसा लगता है वो देखते हैं कि ये मेरे साथ कंपटीशन कर रहा है, ये क्या बात, जबकि उनका सहयोग कर रहे होते हैं, भाई देखो ये ऐसी चीज है इससे बचेंगे उतना ठीक रहे, तो उस स्थिति में क्या करें, एक मेरा ये प्रश्न था भैया। दूसरा इसी ये जब स्थिति आती है तो लगता है कि बाहर क्या काम करना, पहले खुद पे काम कर लें, बाहर होता रहेगा जब देखेंगे तब देखेंगे। व्यक्ति टूटना नहीं चाहिए, मतलब कार्यकर्ता टूटना नहीं चाहिए, उसकी ये स्थिति बनी रहनी चाहिए। संगठन भी महत्वपूर्ण है लेकिन कार्यकर्ता भी महत्वपूर्ण है, तो इस स्थिति में कैसे बैलेंस करें, तो प्रश्न हालांकि अजय भैया ने पूछा था लेकिन मुझे लगा एक बार, क्योंकि आप टीम डेवलपमेंट में देखा कि आप लोगों को बहुत तेज गति से आगे भी लाते हैं और विकास भी करते हैं और उनको मतलब एक स्टेब्लिश भी करते हैं, उनका मतलब सेल्फ डेवलपमेंट भी अच्छे से करते हैं, तो मैं जरूर जानना चाहूंगा भैया इस बात को लेकर, मेरी बात पहुंची? हाँ ठीक है ना, तो मुझे लगता है भैया कि ये जो कहीं पे भी जो भी संगठन है ना, जो टीम का डेवलपमेंट महत्वपूर्ण है, उसके साथ साथ हर एक व्यक्ति उस टीम का महत्वपूर्ण है। ये बात तो अपने मैंने कहा ही पहले कि वो व्यक्ति जो टीम में है वो टीम का डेवलपमेंट ही उस व्यक्ति के डेवलपमेंट पे आधारित है, मतलब अदरवाइज टीम का डेवलपमेंट होगा नहीं। तो एक एक व्यक्ति जो है ना, वो एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, उस व्यक्ति का सेल्फ डेवलपमेंट होना, वो जिस जगह पे बधाई खड़ा है वहां से का कैसे वो बधाई ऊपर उठ पाएगा, दीदी ऊपर उठ के कैसे वो जी पाएगा, वो दोनों तो हर एक जो व्यक्ति है उस टीम में, वो हर एक व्यक्ति का डेवलपमेंट पहली प्रायोरिटी है, उसके साथ साथ टीम का डेवलपमेंट दूसरी प्रायोरिटी है। मतलब टीम को बड़ा करना है, टीम को बढ़ाना है, मुझे लगता है कि ये सेकेंडरी काम है। लोगों का डेवलपमेंट होगा, सेल्फ डेवलपमेंट होगा तो टीम बड़ी हो जाएगी, नहीं होगा अगर सेल्फ डेवलपमेंट तो टीम बड़ी करके भी क्या करेंगे, चीजें फिर फैलेंगी। तो वो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति की अपनी स्थिति को, जिस जगह पे वो खड़ा है वहां से हम कैसे एक स्टेप ऊपर ले आ पाए, वही हमको पहली प्राथमिकता है और वही सोचना बनता है हर व्यक्ति के लिए। वहां से हम कैसे उसका सहयोग करके ऊपर ले आ सकते हैं, वो जितना जितना हो पाएगा उतना उतना फिर टीम का डेवलपमेंट जो है वो हो पाएगा, नहीं तो वो टीम डेवलपमेंट नहीं होगा। और इस क्रम में मुझे लगता है कि जो एक पहली प्रश्न आपने पूछा उसमें यह है कि अगर आप इस तरह की स्थिति बनती है कि आपको अप्रिशिएट किया जाता है चीजों के लिए, तो मुझे लगता है कि उस अप्रिशिएशन में लोगों को आगे कर देना है,
जो हमारी टीम है उसको आगे रखेंगे हम, तो मुझे लगता है कि फिर अपना अहंकार भी पुष्ट नहीं होगा, हम उससे बच पाएंगे। तो हमारी टीम का काम है, हम टीम को आगे कर दिए कि टीम के, और मैं इसको ऐसे ही देखता हूँ, मैं इसको ऐसे ही देखता हूँ कि जो पूरा यूएसपी का भी काम को मैं देखता हूँ, या किसी भी काम को आप देखेंगे, तो इसमें मैं जो कर रहा हूँ ना, वो तो तब कर पा रहा हूँ जब बहुत कुछ हो गया है। तो मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि मतलब एक्सप्रेसवे बना दिया गया है, गाड़ी आपके पास दे दी गई है, आपको गाड़ी चलाना सिखा दिया गया है, आप उस गाड़ी पे बैठ के उस एक्सप्रेसवे पे चला रहे हैं गाड़ी, तो आपको ये भ्रम ना हो जाए कि मैं सारा रास्ता मैंने बनाया है और मैं चला रहा हूँ। भाई वो एक्सप्रेसवे बना दिया गया है, कोई आपको बैरियर भी नहीं मिल रहा, वहाँ कोई समस्या नहीं है, कोई आने वाला भी नहीं है, आपको गाड़ी चलाना भी सिखा दिया, गाड़ी भी दे दिया, अपन बैठ के स्टेयरिंग पकड़े हैं तो लग रहा है कि गाड़ी चला रहे हैं, भी हम नहीं चला रहे हैं, ये सारा कुछ हो गया, लोगों ने कर दिया, इसलिए हम वहां पे हैं, और हम बस इतना ही कर रहे हैं कि बस पकड़े हुए हैं स्टेयरिंग। ये भाव जब हमारे में रहता है ना, तो फिर वो अहंकार पुष्ट नहीं होता है, और फिर हम टीम को आगे रखते हैं, अपने को आगे नहीं रखते। तो टीम के साथ ये काम हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं हो सकता है कि वहां पे चेहरा के रूप में दिख रहा हूँ जहां पे भी हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ, मेरे पीछे मतलब मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, मेरे से पहले बहुत सारे लोगों ने करके यहाँ तक मुझे लाके खड़ा किया है, मतलब मेरा उसमें देखेंगे तो बहुत, मैं जैसे अपने में देखता हूँ तो मेरा किया हुआ तो बहुत मुझे दिखता नहीं है, मेरे को तो जो कुछ मिला है समझ के रूप में भी वो सब दूसरे का दिया हुआ है, तो मैं उसके साथ जब हूँ तो मेरा उसमें नहीं है, दूसरे के साथ ही मेरा जो भी अगर थोड़ा बहुत होगा तो होगा, ये बात अपने को ध्यान में बनी रहती है, तो फिर अपन उससे बहुत परेशान नहीं होते, नहीं मिलता है तो बिल्कुल अच्छा है, उस तरह की स्थिति अगर मिलता भी है तो ये ध्यान में रहता है तो अपन उससे बच पाते हैं, नहीं तो फंस जाते भैया, हैं। ये जो आपने बात कही ये अपने लिए तो ठीक है। मेरा जो इसमें प्रश्न ये था भैया कि जब टीम डेवलपमेंट में काम कर रहे होते हैं तो कई बार होता क्या है, एक समूह में काम करते हैं वो होता समूह का है, लेकिन व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे क्योंकि महत्वाकांक्षा इतनी अधिक बन जाती है कि वो उससे लगती मतलब व्यक्ति केंद्रित होना शुरू होती है, और जो व्यक्ति केंद्रित होने जा रही है उसमें यदि उनको ध्यान आकर्षण कराएं, मतलब कहीं किसी तरीके से, ये मेरा अनुभव रहा है किसी सामाजिक काम करते करते राजस्थान में, तो मैंने जैसे ध्यान आकर्षण करवाया तो उनका ध्यान गया कि ये ना इसको मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मतलब ये कहने के समान में ज्वेलरी सी है हाँ ऐसा मैं कुछ। समझ गया आपका प्रश्न, समझ गया। तो जी मुझे भैया लगता है बिल्कुल कि सामने वाले का ध्यान दिलाने का हमारा तरीका कई बार सही नहीं रहता है, तो जैसे जिस चीज से वो व्यक्ति आकर्षित हो रहा है और उसको कर रहा है, उसमें अपने को जैसे बहुत छोटी सी मैं बात करूं कि वर्कशॉप में गए, वर्कशॉप लेने गए, वहां पे डायस पे आप बैठ गए, आपकी फोटो खींच गई और उसको आपने स्टेटस पे लगा दिया या उसको फेसबुक पे चढ़ा दिया, मतलब आपने कहा कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, तो किसी को लग सकता है कि भाई ये तो भी आदमी जो है अपने अहंकार को पुष्ट कर रहा है या अहमता में जा रहा है, ये बात उसको कैसे ध्यान दिलाए ना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसको ध्यान दिलाना, जो आप कह रहे हैं कि ध्यान दिलाने जाएंगे तो उसको बुरा लग जाता है, उसको लगता है कि ये मेरे साथ कंपीट कर रहे हैं या इनके में मेरे प्रति द्वेष का भाव आ रहा है, इस तरह का वो सोच सकता है। तो मुझे लगता है कि ध्यान दिलाना है ये बात ठीक है, लेकिन कैसे ध्यान दिलाना है ना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बेसिकली जो वो कर रहा है अगर उसको हम कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, तो वो व्यक्ति इतनी जल्दी स्वीकारता नहीं है, तो वो कैसे देख पाए कि ये ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि वो बात करनी पड़ती है अपने को। मतलब मैं इसको ऐसे देखा हूं, मतलब मैंने अभी आईआईटी में एक वर्कशॉप हुई थी, उसमें इस बात को मैं शेयर कर रहा था कि मेरा जो व्यू बनाना, वो व्यू ऐसा बनाए कि जब मैं शुरू में इस पूरे उसमें काम में जुड़ा, तो भानु सर काम करते थे और हम लोग उनके साथ बैठे रहते थे, चर्चा होती रहती थी, तो मैंने एक नोटिस देखा, AKTU में एक नोटिस, कोई सर्कुलर निकालना है, उस सर्कुलर को ड्राफ्ट करके वहां भेजा गया था, उस सर्कुलर को मैं देख रहा था, तो उस सर्कुलर में मैंने देखा कि सबसे नीचे गणेश बागड़िया सर का नाम लिखा है और उसके ऊपर भानु सर का नाम लिखा है, ये दो ही लोग को मैं जानता था, उसके ऊपर जितने नाम लिखे मैं किसी को नहीं जानता था, और उसमें से जितने भी लोग हैं डायरेक्ट कुछ नहीं कर रहे थे उस काम में, किसी परोक्ष रूप से जरूर कुछ किया ही होगा, सहयोग किया ही होगा लोगों ने और कर ही रहे होंगे, लेकिन मतलब प्रत्यक्ष रूप से मैं देखा कि मुख्य काम तो ये दो लोग कर रहे हैं, नाम सबका लिखा हुआ है, तो मुझे उस दिन से मेरे को ध्यान में बन गया कि अपना नाम सबसे नीचे रखना है, मतलब वही ध्यान में आया मुझे तो कि अपना नाम सबसे पीछे रखना है, बाकी सब लोगों को आगे रखना है, भाई टीम हमारी जो है वो महत्वपूर्ण है, तो ये इस तरह का जब उसका भी ध्यान चला जाएगा तो वो भी सब चीजों से निकल पाता है। अभी जब आप ध्यान दिलाने जाएंगे तो उसको ये जरूर लगेगा, क्योंकि वो जब उस लेवल पे हो पाता ना, तो वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा होता जो ठीक नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति उस लेवल पे नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ कर रहा है जो आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो आप उसको जब कहेंगे कि ये ठीक नहीं है, उसको ध्यान नहीं जाएगा, तो मुझे लगता है कि उसका ध्यान कैसे जाएगा, उसके लिए क्या कार्यक्रम बनाना है वो सोचना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे उसको ध्यान दिला सकते हैं, मतलब डायरेक्टली करेंगे तो ये रिस्क है उसको। जी भैया जी जी जी
ठीक है, यही चूक हो रही थी, सीधा ध्यान दिलाना। कई बार लगता है कि देखो हम समझ लेते हैं कि इतनी समझदार या इतनी जिम्मेदारी से काम करे तो समझदार ही होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे से चूक हो रही होती है। जी भैया, सही वही बात। उस जगह पे व्यक्ति नहीं खड़ा है। जी धन्यवाद धन्यवाद भैया। जी। तो धन्यवाद केसरी जी, धन्यवाद मोती भैया। बहुत ही सरल शब्दों में और व्यवहारिक एक्सपीरियंसेस को साझा करने के लिए, और जो बातें शेयर की गई हैं, अब ये बातें बहुत सिंपल हैं, व्यवहारिकता के साथ कई बार एक प्रॉब्लम भी होती है कि बातें तो इतनी सिंपल हैं, तो सिंपल एक चीज है लेकिन बातें उतनी ही गहरी हैं, ये एक और महत्वपूर्ण बात है। तो कई बार व्यवहारिक बातों के चलने के क्रम में ऐसा लगता है कि ये तो सिंपल बातें हैं, लेकिन सिंपल बातें नहीं है, हम में से बहुत सारे लोगों की ये फसावट रहती है। हम लोग सब कहीं ना कहीं कम ज्यादा इन सारे इश्यूज में उलझते हैं। तो जिन व्यवहारिक बातों की तरफ आज ध्यान दिलाया गया है, इन पर हम सभी को ध्यान देना है, ताकि जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं सही को समझने और सही को जीने के क्रम में वो हमारे ध्यान में आ सकें, और हम अपनी समझने की यात्रा को सुखद रूप में मिलकर साथ साथ कर सकें। तो मोदी भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अब आगे की जो कार्रवाई है उसको, ये जो फ्यूचर प्लान्स हैं इसको, कुछ आगे की जो शेड्यूल है वो डिस्प्ले पे है, आपके ध्यान में ही है। प्रियदर्शनी दीदी जो है वो हिंदी की वर्कशॉप का कोऑर्डिनेशन देखती हैं, शरद भैया जो है वो इंग्लिश की वर्कशॉप का कोऑर्डिनेशन देखते हैं, तो आप उनके संपर्क में बने ही हुए हैं ऑलरेडी। तो अगली जो बैठक है, मीटिंग है, वो 1 सितंबर 2024 को होगी, 11 बजे से लेके 1 बजे तक। तब तक के लिए हम सभी का एक्सप्लोरेशन जारी रहे, और अपने अपने प्रश्नों के साथ, अपने अपने एक्सपीरियंसेस के साथ हम लोग अगली बैठक में मिलेंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अब हम इसको चर्चा को यहीं रोकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का।